नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के बी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सियाराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं हमको नेशन नाउ पर। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वणक्कम, चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी, अबारिया को जाबो टू आवर व्यूअर्स इन ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, व्हेयरएवर दे स्पीक स्वाहिली, व्हेयरएवर दे स्पीक स्वाहिली, एंड दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल। That's a whole lot of people. We got a lot of viewers from China and Africa. That's right. And so amazing announcements from Bilkul, from Eknath Shinde sir. Yes sir. आज वो देवशायनी एकादशी है, उसके बाद चातुर्मास शुरू हो जाएगा। उसके पहले पहले for the first time I'm seeing something being announced for boys. अभी तक सिर्फ लाडली बेटी ही, लाडला भाई भी अब शुरू हो गया है। वो लाडली बहना थी, अब लाडला भाई भी शुरू हो गया है। उसमें अब 6,000 रुपए दिए जाएंगे जिसके पास डिप्लोमा है, और 6,000 12th सर्टिफिकेट, 12th 12 कुछ 6,000 डिप्लोमा, 8,000 डिप्लोमा, 8,000 ओके, ग्रेजुएशन 10,000 रुपीस फॉर ऑल ग्रेजुएट्स, व्हिच इज अमेजिंग। इट कुड बी अ रियल गेम चेंजर। वेयर इज ही गोना गेट द मनी फ्रॉम, बिकॉज ही हैज गॉट, ही हैज टू हैव सच अ ह्यूज बजट एलोकेशन फॉर वुमेन, ही हैज टू हैव सच अ ह्यूज बजट एलोकेशन फॉर यंग बॉयज। So it's going to be a bit difficult. And what I can't understand about the scheme is, I'm not very clear about it right now, is it going to be for young people? I mean, is there a cut-off date? Will it be up to say the age of 25 or 30 or something, or will it be up to the age of 65? They're framing the put it jobs laws hai wo aa raha hai, but this was a very good Modi ji aaye the yahan par Mumbai mein, so they had this Yuva Karya Prashikshan Yojana, Chief Minister, Mukhyamantri युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, 5,600 crores have been allotted for that. But this is going to be much more than 5,600 crores, Pradeep ji. But ये जो scheme है, it will cost him at least 55, if not more, at least 60,000 crores. But the very top is going to 36,000 crore जो लाडली बहना योजना उसके लिए, yes sir, और 50-55,000 crore अगर इसके लिए, तो मतलब you are looking at about 90,000 crores odd. Yes, yes. So money is going to flow into the economy. Money is going to flow into the economy, and people are going to spend money, and that's good for the economy. And good signs. And the other thing which I really loved today was Devendra Fadnavis saab apne Gadchiroli gaye, aur wahan par unhone wo jo ispat hai uski ek steel industry ki ek he's laid the foundation stone. Yes sir, yes sir. Which is amazing. I mean, up till now we had only heard of and talked to नक्सलाइट्स एंड माविस, यस यस, गढ़चिरौली, करेक्ट। और जैसा देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि भाई देखिए, अब आज के बाद गढ़चिरौली की जब भी बात होगी तो स्टील की बात होगी। फैंटास्टिक। मतलब ये अब ये कांग्रेस ने और कांग्रेस के की अलग अलग सरकारों ने गढ़चिरौली को सिर्फ नक्सलवाद और माओवाद दिया, हम लोग गढ़चिरौली को स्टील देंगे, यानी इस्पात। इट विल बी द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील in the whole country. That's what he says, which is a great thing. Positive sentiments from all sides, whether it's the students getting money, whether it's Ladli Behni that is getting schemes, getting money, farmers are getting money through that Annapurna Yojana. So everybody is, it's raining money for the people in Maharashtra. And right, that's good for the economy. Let's go across to Mr. Jitin Gajaria of the BJP. Jitin Gajaria sahab, namaskar. Namaskar Rajiv ji. Namaskar sir, namaskar. Jai Hind. जय सियाराम। कैसे हैं सर? जय सियाराम। जय सियाराम। तो सर ये तो मतलब मामला ही बिल्कुल अब तो क्लीन स्वीप हो गई, लाडली बहन, लाडला भाई, और उसके अलावा आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद व्हाट मिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैज डन। ही इज गॉन टू, वो उधर गए हैं गढ़चिरौली, जहाँ पर नए वो इस्पात कारखाने की उन्होंने फाउंडेशन स्टोन लेकर दिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबडी हैज डेयर टू डू इट। आज तक कभी कोई गया ही नहीं, मतलब ऐसा जबरदस्त हो गया सर ये तो। जितिन गजरिया साहब जरा बताएं इसके बारे में प्लीज। देखिए, देवेंद्र जी की जो पहले पांच साल की जो टर्म थी एज अ चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, और उसके बाद अभी जो टर्म है, तो उन्होंने एक कंसिस्टेंटली एक काम किया हुआ है, वो है गढ़चिरौली से नक्सलवाद को खत्म करना, गढ़चिरौली से नक्सलवाद को खत्म करना, और महाराष्ट्र से अर्बन नक्सलियों को बाहर भगाना, खत्म करना और जेल में डालना।
कंसिस्टेंटली देवेंद्र जी ने ये किया है और आज का तो बहुत बड़ा है। माने कुछ वो माने गढ़चिरौली के जहाँ पे एक समय पे नारे सिर्फ लगते थे लाल सलाम वहां पे अभी से आपको सिर्फ सुनाई देगा वंदे मातरम वंदे मातरम जी। ये सबसे बड़ा फर्क जो जो देवेंद्र जी ने 5 साल पहले और 2.5 साल अब 7.5 साल के उनके टेन्योर में गढ़चिरौली का जो एक बदलाव किया है वो मुझे लगता है कि देवेंद्र जी के अचीवमेंट्स में से सबसे बड़ा और सबसे अंडररेटेड अचीवमेंट। लेकिन ये स्टील प्लांट की जो फाउंडेशन स्टोन उन्होंने ले करी अभी, आई होप इट कम्स अप एंड कम्स अप वेरी वेल, क्योंकि अभी तक वहां से नक्सलवाद खत्म हुआ नहीं है। जितिन गजरिया साहब, देखिए नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो एक जो टफ सिक्योरिटी अपैरेटस जो चाहिए, उसके साथ साथ जॉब्स चाहिए, उसके साथ साथ डेवलपमेंट चाहिए। तो अब तो पहला तो काम सालों से जो हो रहा है 2014 के बाद से, बाकी के दो काम भी चल रहे हैं और अब जब ये होगा तो नक्सलवाद का खात्मा तो एकदम जिसे कहते हैं कि अब निश्चित है। एक वो, दूसरा अगर आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा, फिर चाहे वो केंद्र में मोदी जी हो या यहाँ पे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी हो, वो जो भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं वो प्रोजेक्ट को लॉजिकल एंड तक लेके जाते हैं। वो सक्सेसफुल करे बगैर ये चेन की सांस नहीं लेते। तो ये आज नींव रखी है और ये प्लांट तो खड़ा होगा ही, रोजगार देगा, ऐसे बहुत सारे प्लांट गढ़चिरौली में और आए। उद्धव ठाकरे जिस प्रकार से वातावरण जा रहे, शंकराचार्य गए घर में, उनको बोला कि यू शुड बी द सीएम, द एंड्स ऑफ जस्टिस विल बी मेट ओनली इफ यू बिकम द सीएम बैक। आपको बैकस्टैब किया गया, इनजस्टिस हैज बीन डन टू यू, एंड एमबीए शरद पवार जी सेज दैट 225 सीट्स लेंगे। तो हाउ डू यू सी, क्या ये वोट शेयर उनके फेवर में है? भले आप काम कर रहे हो, यू हैव टेकन वेरी वेल, जो डेवलपमेंट एजेंडा इज रनिंग फैंटास्टिक, बट अल्टीमेटली द वोट शेयर दैट काउंट्स। गजरिया साहब कैसे होगा? देखिए दो चीज, पहले आपने जो दूसरा पॉइंट कहा कि शरद पवार जी ने कहा कि उन्होंने तो कहा कि 255 सीट आएगी 288 में से, लेकिन शरद पवार जी का जो आंकलन है, उनका जो एनालिसिस है, उसके ऊपर उनके पार्टी के ही एक एमएलए और उनके ही साथी पक्ष कांग्रेस के एमएलए को भरोसा नहीं है। वरना वो खुद 9 लोगों ने जो क्रॉस वोटिंग करी अभी के इलेक्शन में, मुझे ये बताइए अगर किसी पार्टी के आमदारों को एमएलए को कंफर्म है कि भैया हम तो 255 आएंगे ही, हम तो स्वीप करेंगे ही, तो वो तो क्रॉस वोटिंग क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें भी पता है कि शरद पवार जी कितना भी बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी बातें कर ले, इलेक्शन आएगा शरद पवार जी को वो 255 में से कितनी आएगी वो उनको भी समझ में आ जाएगा, इसीलिए हुआ। सर 255 पॉलिटिकल, शंकराचार्य जी के, शंकराचार्य जी धर्मगुरु है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, उनकी ये है। लेकिन एक सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे को आज शंकराचार्य को मिलने का वक्त समय मिला, लेकिन जब पालघर के दो साधुओं की हत्या की गई थी तो उनके परिवारों को मिलने का समय उद्धव ठाकरे के पास नहीं था। उन्होंने तो साधुओं की हत्या करने वाले लोगों को बचाया था। मेरा सवाल है कि ऐसा कौन सा यह सनातनी नेता है कि जिसने साधुओं की हत्या को चुपचाप से लिया, हत्या करने वाले लोगों का समर्थन किया, सीबीआई में इंक्वायरी ना जाए उसको उसके लिए 2.5 साल तक रोक के रखा। तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र की जनता बहुत बहुत होशियार है, उन्हें पता है कि ये सनातनी है या उस्मान ठाकरे है या जो भी है। और मैं और एक चीज बता दू, वो शंकराचार्य जी से मिले, उसके 2 दिन पहले वो ममता बनर्जी से मिले। कौन ममता बनर्जी? क्यों, जो संदेश खाली में बलात्कार हुई हिंदू औरतों को न्याय नहीं दे रही है, उस औरत से मिले। तो सनातन का तो बहाना था, नाम था, कुछ और ही होगा, बट लेकिन ठीक है, महाराष्ट्र की जनता बहुत होशियार। लेकिन यहाँ पर सर ये कहा जा रहा है, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट बिकॉज वी कवर्ड दैट एक्सटेंसिवली, मुझे याद है वो दो साधुओं की जो हत्या हुई थी उस वक्त होम मिनिस्टर अनिल देशमुख हुआ करते थे और तकरीबन 115 लोगों को अरेस्ट किया था उसमें,
और उन्होंने ये कहा था इतना बड़ा एक्शन कभी भी किसी सरकार ने नहीं लिया है. 115 पीपल वर अरेस्टेड, आई रिमेम्बर दैट. वो केस तो अभी चल रहा है ना सर, जितेंद्र गजरिया सर. नहीं लेकिन सिर्फ अरेस्ट दिखावा, एक बार जब बहुत बहुत इसके ऊपर हल्ला हुआ तब उन्होंने दिखावे के लिए अरेस्ट किए. अरेस्ट के अंदर कैसे कैसे वीक चार्जेस लगाए गए थे उनकी सरकार से, कैसे कैसे मेन कल्प्रिट को दूर रखा गया था. और अगर इनको न्याय देना ही था तो सीबीआई इंक्वायरी से क्यों डर रहे थे? सीबीआई इंक्वायरी तो तभी आई ना जब जब देवेंद्र फडणवीस जी वापस से होम मिनिस्टर बने, तभी आई. 2.5 साल तक तो इन्होंने कोई कोई कोशिश नहीं की. तो इनका पालघर साधु की हत्या के अंदर तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को धक्का लगाने का और हत्यारों को बचाने का काम किया. लेकिन अभी अभी मुक्तेश्वरानंद जो है, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ है, वो पहले अभी अंबानी जी के घर में शादी थी, वहाँ पर भी थे. वहाँ पर आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी, उन्होंने भी उनको रिस्पेक्ट दी, और उसके एकदम फौरन बाद उनका उद्धव ठाकरे जी के घर पे जाना, ये क्या है? ये कुछ जरा समझ में आया नहीं मुझको. What does that mean? सर, वो उनकी खुद की, मैंने जैसे मैंने कहा धर्मगुरु है, उनके खुद के कुछ होंगे, वो गए होंगे, उनकी इच्छा हुई होगी, गए होंगे. लेकिन उसका कोई पॉलिटिकल आगे इतनी बड़ी, मैं आप सर मैं इतनी बड़ी राजनीतिक, इतना बड़ा राजनीतिक वक्तव्य देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मुझे तो ये समझ में नहीं आया. आप धर्मगुरु हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, थैंक यू वेरी मच, चलिए. अब उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ, लोगों के दिल में दर्द है, वो दर्द तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उद्धव जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. अब मेरी समझ में तो उद्धव जी दोबारा मुख्यमंत्री तभी बन सकते हैं जब वो बीजेपी के साथ वापस आ जाए. सर गजरिया सर देखिए, अब यहाँ से सैकड़ों मीलों दूर बैठे हुए, हजारों मील दूर बैठे हुए अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उनको महाराष्ट्र की जनता क्या सोच रही है वो पता होगा, तो ठीक है, उनका ओपिनियन है. वो एक सम्माननीय धर्मगुरु है, हम उनका आदर करते हैं. रही बात कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो उद्धव ठाकरे को तो सबसे पहले वो जाके एक बार नाना पटोले के साथ बैठ के बात कर ले, क्योंकि नाना पटोले ने तो खुद ने कह दिया है कि अगला मुख्यमंत्री तो वही है जी. तो शायद तो यही बेहतर होगा कि वो पहले अपने ही साथियों के साथ बात करे. लेकिन और बाद में क्या, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, लेकिन जो अभी एक हवा सी चल रही है कि हो सकता है कि उद्धव जी के साथ दोबारा बीजेपी की बातचीत हो, या उद्धव जी शायद दोबारा बीजेपी से बातचीत कर रहे हों, इसमें कुछ सच है क्या? देखिए मैं तो बड़ा बहुत बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, तो इसके अंदर सच क्या है ये जान के, ये देखो लुक एट हिम, ये मतलब अपने आप को जान के नीचा दिखाने की क्यों कोशिश कर रहा है? हमें मालूम है सर आपकी पहुंच कहां तक है, कौन 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 आपकी बात सुनता है, कौन कौन आपसे ब्रीफिंग लेता है, और हर हफ्ते सबको मालूम है. हाँ बोलिए सर, आप बताइए. देखिए राजू जी, देखिए राजनीति के अंदर राजनीति इज ऑलवेज अबाउट अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है. लेकिन हाँ आज मैं आपको एकदम पूरे गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि हमारा अलायंस एकनाथ शिंदे जी के साथ और अजीत पवार जी के साथ और रामदास आठवड़े जी के साथ एकदम स्ट्रांग है, और यह अलायंस इलेक्शन के समय पे एक साथ जाएगा और वापस सत्ता पे आएगा. यू नो संजय राउत हैज बीन क्रिटिसाइजिंग वेल अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन पावर इन महाराष्ट्र. ही सेज लॉ एंड जुडिशरी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमको तारीख पे तारीख मिल रहे, 40 MLA हमारे और 40 MLA शरद पवार साहब के, अब भी हम लोग वही राउंड द कॉर्नर इसे घूम रहे कोर्ट के डेट पे डेट. दिस नो जस्टिस वे वी आर कंसर्न. क्रॉस वोटिंग जिस प्रकार से हो गए, एक एक एमएलए को 8 से 25 करोड़, 10 से 25 करोड़ दे के इन लोग ने विधान परिषद पूरा हाईजैक कर लिया. पूरे महाराष्ट्र इज रीलिंग अंडर 8 लाख करोड़ डेब्ट्स एज पर संजय राउत. 200 करोड़ फंड एलोकेशन इनको हो गया, जो इलीगली तरीके से क्रॉस वोटिंग हो गया उनको फंड एलोकेशन हो गया, और जो जिसको जरूरी है फंड एलोकेशन उसको नहीं मिल रहा है. तो ऑल दीज चार्जेस संजय राउत हैज बीन पुटिंग कंटिन्यूअसली अक्रॉस, हाउ आर यू गोइंग टू कम ओवर इट? देखिए संजय राउत, मुझे लग रहा है कि संजय राउत जी को आजकल वो थोड़ा बहुत जो मराठी मीडिया अगर हमने छोड़ दिया तो कोई सीरियसली नहीं लेता. मुझे तो लग रहा है कि उनके घर पे भी उनको कोई सीरियसली नहीं लेता, ठीक है. पहले इसके पहले संजय राउत जी 2 साल तक, संजय राउत तो 2 साल तक जोशी बन गए थे. हर 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 15 दिन में आगे कहेंगे एक महीने के बाद सरकार गिरेगी, 30 जून को गिरेगी, 31 जुलाई को गिरेगी, 20 अगस्त को गिरेगी, 15 सितंबर को गिरेगी. हर महीने आके नई नई तारीखें देते थे, ठीक है. संजय राउत को तो मुझे लग रहा है कोई सीरियसली कोई लेता नहीं है.
और रही बात वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार वो थी जो 2019 में सत्ता में आई, जब उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के दम पर सीटें लाई थी अलायंस में, और वो जाके सीधा कांग्रेस की गोद में बैठ गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। अपने पिताजी, अपने पिता के आदर्शों का घड़ा घोड़ दिया उन्होंने, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। और रही बात बाकी, और ये जो कह रहे हैं कि विधान परिषद ये वो, ये तो इनका बहुत अजीब है। 2.5 साल तक ये अपनी ये सरकार में अपनी मनमानी चलाते रहे, सब कुछ करते रहे, और अब लांछन दूसरों पे लगा रहे हैं। तो संजय राउत जी को तो कोई सीरियस भी मुझे नहीं लगता कि अभी महाराष्ट्र में कोई भी ले रहा है। Gajare Sahab, the other thing is that Rahul Gandhi, if you go to national politics, Rahul Gandhi has been accusing Prime Minister Modi ki you have not been able to take care of price rise inflation. Food items 9.36 inflation, anaj 8.75, dal 16.7, you know, sabji around 20-30%. So he says Prime Minister Modi has failed to control price rise and inflation, Gajare ji. तो कैसे करोगे? बिकॉज वो एक है कि मार्केट में सब्जी लाने गए थे और सब्जी इतना महंगा, तो सिर्फ मिर्ची वापस लेके आए, वो उनका वीडियो चल रहा है सब जगह कांग्रेस के। तो हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज? दैट्स वेरी क्रूशियल एज ऑन टुडे। देखिए, ये सबको एक पता है कि इन्फ्लेशन और जो प्राइस राइज होता है वो हर साल बहुत सीजनल होता है। कुछ सीजन में कुछ समय पे प्राइस ऊपर जाते नीचे आते, और गवर्नमेंट ने हमेशा हमेशा प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की है, और गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही है पिछले 10 साल। और राहुल गांधी जब प्राइस राइज की बात करते हैं, तो कोई उनको बताए कि 2006, 2007, 2008, उसके बाद 2011, 2012, 2013 में भारत में जो इन्फ्लेशन था वो ना तो आज देखा गया है, ना तो पहले कभी देखा गया था, और शायद ना तो कभी आगे देखा जाएगा। माने ना भूत हो ना भविष्य, इन्फ्लेशन भारत ने उस समय में देखा था। और जब इन्हीं की सरकार के मंत्री, इन्हीं की सरकार के लोग आके मजाक उड़ा रहे थे कि 5 रुपए में थाली मिलती है, 2 रुपए में मिलती है, ये होता है वो होता है, माने गरीबों का मजाक उड़ाने का काम जो कांग्रेस ने सालों से किया था। तो कांग्रेस को तो प्राइस राइज के ऊपर बोलने का सबसे पहले कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी को आजकल एक नया हुआ है कि हर 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 मुद्दे पे, हर कहीं पे वो अपनी पीआर टीम, कैमरामैन पीआर टीम को साथ पे लेके जाते हैं, कुछ ट्यूटरिंग होती है, कुछ एक्टर होते हैं, उसके वीडियो बनाते हैं, उसके वीडियो निकालते हैं। देखिए, उनको तीसरी बार 100 से कम सीटें मिली, तो उसका जो धक्का लगा है उनके 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 दिलो दिमाग पर, शायद दिल पे ज्यादा क्योंकि दिमाग तो कम है, वो बहुत बड़ा है, और वो ऐसी हरकतें करते रहेंगे। लेकिन कितने दिन करेंगे, कितनी कंसिस्टेंटली होगी ये सब हरकतें, वो देखना पड़ेगा, वो देखते हैं। तो सर, जहां तक के एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, उसके ऊपर भी बहुत अटैक हो रहा है इस गवर्नमेंट के ऊपर। बार बार यही चीज बोली जा रही है कि समहाउ द अदर दिस गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। ये बात देखिए, ये जो पूरा नैरेटिव है ना, ये बहुत ही फ्लॉड नैरेटिव है, क्योंकि ये लोग जो बेंचमार्क को यूज करते हैं, वो बेंचमार्क यूज करते हैं कि प्रोविडेंट फंड में कितने ऐड हुए, कितने नए अकाउंट्स ऐड हुए। वो ये नहीं कहते हैं, पर वो ये नहीं देखते हैं कि पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट की विविध पॉलिसीज को लेकर कितने नए रोजगार, मैं जॉब नहीं कह रहा हूं, मैं रोजगार शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड, स्मॉल बिजनेस, स्मॉल ट्रेडर्स कितने हुए, मुद्रा लोन हो, बाकी की सारी योजनाएं हो, तो कितने सारे उसके अंदर ऐड होते गए हैं। दूसरा, पिछले 1 साल के अंदर जो नंबर्स आए हैं, अभी जो सिर्फ जॉब्स ऐड हुए हैं वो भी कितने हुए, वो भी देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक डेटा को इस्तेमाल गलत तरीके से करते हुए जो पिक्चर बनाने की ये जो कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं, सच से सच कभी छुप नहीं सकता, और सच हम देख रहे हैं कि अगर भारत में अनएम्प्लॉयमेंट होता, अगर रोजगार क्रिएट नहीं होते, अगर बिजनेसेस क्रिएट नहीं होते, तो भारत आज जो इकोनॉमिक पावर हाउस है वो कभी नहीं हो सकता था। लेकिन गजरिया साहब, अभी हाल ही में, पर कल की बात है, एयर इंडिया के
बड़े 9 के 10 साल के बाद एडवर्टाइजमेंट निकला कि कुछ नौकरियां हैं 800,000 के करीब, लोडर की, पोर्टर की, असिस्टेंट्स की, जो अनाउंस की गई हैं, कम इन फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू एट कलीना इन मुंबई. तो सर 25,000 लोग पहुंच गए. राइट लाइक सिचुएशन होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि भैया अपना बायोडाटा छोड़ करके चले जाइए. सो मतलब दैट क्लियरली शोज दैट जॉब्स इज अ मेजर इशू के जरिए. सर राजीव जी, अगर आपने एक चीज देखा होगा कि ये आपके एयर इंडिया की बात कहें या बीच में भी गुजरात की एक जो एड आई थी जी, इन सारी एड के अंदर ये लोग क्या कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस पीपल हु आर एक्सपीरियंस, बराबर, अनुभवी लोग इनको चाहिए. मुझे ये बताइए, ये लोग ये जितने भी लोग जाते हैं उनको अनुभव है, उनके पास ऑलरेडी जॉब्स, बहुत सारे लोगों के पास वो जॉब्स है, लेकिन कोई बेहतर, क्योंकि एयर इंडिया है, बेहतर नाम है, बड़ी कंपनी है, तो उसको लेकर किसी भी इंसान को मन में होगा कि मैं एक बड़ी अच्छी कंपनी में जाऊं. इट इज नॉट अ क्राइम टू बी एस्पिरेशनल. अगर हम आज एस्पिरेशनल युवा को या एस्पिरेशनल जो जॉब सीकर है उनको हम अनएम्प्लॉयड कह देंगे तो वो तो बहुत गलत बात होगी. बट सो मेनी पीपल सर, आई मीन फॉर सो सच अ लेस क्वांटिटी ऑफ जॉब्स, आई मीन इट्स लाइक there's something wrong somewhere. That's all I'm saying. इधर है भरूच में जो गुजरात में बोल रहे थे आप थे, यूपी में 60,000 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के लिए 50 लाख 50 लाख अप्लाइज फॉर 60,000. आई मीन यू नो एवरीवेयर यू अनाउंस अ जॉब तो उसे 100 गुना लोग वहां पर जमा हो जाते काम के लिए. नाउ दिस इज समथिंग जो भी है, एज राहुल गांधी सेज, 7 साल में 54 लाख पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स. एमएसएमईज हैव बीन शट डाउन, 18 लाख एमएसएमईज हैव शट डाउन. आप सिर्फ अमीर मित्रों और अमीर दोस्तों के लिए काम कर रहे हो. देखिए ये अगर जब भी राहुल गांधी बोलते हैं अमीर मित्रों अमीर दोस्तों की बात करते हैं ना, तो मुझे सिर्फ अनु टंडन और संदीप टंडन याद आते हैं. किसी दिन बहुत फुर्सत से आपके शो में पूरी कहानी बताऊंगा अनु टंडन और संदीप टंडन वाली, जिससे पता चलेगा कि अमीरों के लिए काम कौन करता है, कौन सा परिवार अमीरों के लिए काम करता है, कौन सा परिवार इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाने के लिए कैसे कैसे कारनामे करता है, और राहुल गांधी और उनकी माता जी का रोल क्या रहा है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को फायदा पहुंचाने में. वो उसके लिए तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको एक पूरा महीना शो करना पड़ेगा रोज 1 घंटे का. अब रही बात एम्प्लॉयमेंट की, मैं वापस से वही कह रहा हूं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चलिए एक बार राहुल गांधी एक मिनट के लिए राहुल गांधी की बात मानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ. अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है, तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज खड़ी कैसे हो रही है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो रहा है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैसे हो रहे हैं, भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ कैसे बढ़ रहा है, हवे में बढ़ रहा है विदाउट एम्प्लॉयमेंट विदाउट अ जॉब. ये तो वो हुआ है, ये तो वो कहावत है, कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना. माने राहुल गांधी तो मूर्खों की तरह बात करने ही लगा है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव अभी वो चलने लगे हैं कि वो जो बोल रहा है वो सत्य है, लेकिन उसके पीछे के सवाल भी तो बताइए ना. अगर भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होती है और अगर भारत के अंदर कोई रोजगार नहीं खड़ा होता तो भारत 5 ट्रिलियन की तरफ जाता कैसे. गजरे साहब, बजाज साहब ने जो उठाया है वो पिक्चर्स आपके सामने है और मिडिल में चल रहा है कि एयर इंडिया हो कलीना में जहां करीबन 25,000 लोग जमा हो गए थे, भरूच में पूरे मॉल भर गया था, वो पूरे ग्राउंड फ्लोर में पूरे रेलिंग्स निकल गए, हरियाणा में 13 सीट एसएससी के लिए, 13 लाख एप्लीकेंट फॉर 13 सीट्स, यूपी एज वी डिस्कस राइट नाउ 60,000 पोस्ट, 50 लाख पीपल एम्प्लॉय राइटिंग एप्लीकेशंस, और भीड़ लग रहा है टीचर्स के ये है उसमें भीड़ लग रहा है ना. ये भीड़ सिग्निफाइज समथिंग, आई मीन दिस कैन नॉट बी डॉक्टर्ड, कैन इट, देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर गजरिया साहब. Though the government is trying, there's no doubt that the government is trying, but then we are not addressing the issues. No, I will tell you, let me tell you differently this thing. आप जिसको भीड़ और ये कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि ये aspirational India है. इनके पास इसमें से जैसे कि आप ज्यादातर लोगों के पास जॉब होगी, लेकिन बेहतर बेहतर नौकरी बेहतर रोजगार के लिए अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसका हक है वो.
उसका हक है। और रही बात सरकार की, सरकार एक्सट्रीमली कमिटेड है इसके लिए कि भारत के हर हाथ को रोजगार होना चाहिए, और पिछले 10 साल से उसके ऊपर काम हुआ है। और इसी रोजगार और इसी हाथों के दम पर जो भारत, जो मोदी जी का सपना है 2047 का, वो इसी रोजगार के दम पर पूरा होगा। लेकिन आप ये बताएं सर, ये तो चलो ठीक है, इसके बारे में वी कैन कंटिन्यू टॉकिंग, ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन अभी जो लाडला भाई स्कीम जो अनाउंस की गई है, और उसके पहले लाडली बहन, और उसके अलावा बाकी जो स्कीम्स अनाउंस करी हैं महाराष्ट्र में, सर वेयर इज द मनी गोइंग टू कम फ्रॉम? इट्स गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। देखिए राजीव जी, अगर आपने एक ट्रैक, अगेन मैं वापस ट्रैक रिकॉर्ड्स पे जाऊं, कि जब भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें स्टेट गवर्नमेंट में आई है और उन्होंने कोई पॉपुलर स्कीम निकाली है, तो वो सोच समझ कर उसका पैसा कहां से आएगा, उसके लिए इकोनॉमी में क्या होगा, वो सोच समझ कर, इसीलिए एक भी आज तक इतिहास के अंदर एक भी भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य कभी भी बैंकरप्ट नहीं हुआ है। जैसे कभी कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश हो गया, लेफ्ट फ्रंट का केरला हो गया, या फिर अभी कर्नाटका हो रहा है, और तेलंगाना से भी बातें आने लगी कि क्या रखा, तो वो है सबसे पहले वो। दूसरा, महाराष्ट्र हिंदुस्तान के डेवलपमेंट का पावर हाउस है, तो इसके जो अगर पैसे, अगर इसके लिए जो पैसे जरूरत पड़ेंगे, तो महाराष्ट्र में क्षमता है कि ये पैसे खुद से भी खड़े कर सकती है। जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है और जितना और इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है नई कंपनियों के बलबूते पर, उसके दम पर महाराष्ट्र में क्षमता है कि वो हर एक स्कीम को पूर्ण कर सके। और अब तो आज तो कर्नाटका ने एक और मौका भी दे दिया है महाराष्ट्र को और इंडस्ट्रीज लाने का, महाराष्ट्र के अंदर और इन्वेस्टमेंट लाने का, और कंपनियां खड़े करने का। तो इन सबके बलबूते के ऊपर सरकार के पास एक क्लियर योजना जो है, उसके दम पर ये सारी स्कीम के पैसे भी खड़े किए जाएंगे और ये सारी स्कीम सक्सेसफुली चलाई जाएगी। I hope so, because the aspirations of people have really been raised very, very high. The bar has been raised. So, I hope there won't be any disappointment in terms of कि भाई अभी स्कीम स्टार्ट नहीं हो रही, 3 महीने के बाद होगी या 4 महीने के बाद होगी. If that happens, there'll be a problem, just like there is a problem right now with regard to Maratha reservation. Maratha reservation के लिए भी एक special session बुलाया गया था assembly का. आज वही मनोज जरंगे पाटिल साहब बार बार इसी सरकार को अटैक कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, और सामने से ओबीसीज में भी कई लीडर आ गए हैं. एक तो छगन भुजबल साहब तो हैं ही, एक वो लक्ष्मण हाके साहब भी हैं, अब वो भी बैठ गए थे बीच में हड़ताल के ऊपर, भूख हड़ताल के ऊपर, एंड ही हैज आल्सो थ्रेटन्ड कि दैट ही विल सिट ऑन अ फास्ट अनटो डेथ. ओबीसी समाज का रिजर्वेशन हो या मराठा समाज का रिजर्वेशन हो, अगर कोई पार्टी कंसिस्टेंटली उसके ऊपर सीरियस रही है तो भारतीय जनता पार्टी है। 50 साल तक इतने सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो मराठा थे, उनके होने के बावजूद भी कभी भी मराठा समाज को आरक्षण उन्होंने कभी नहीं दिया। पहली बार मराठा समाज को आरक्षण दिया गया था तो वो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार के अंदर दिया गया था, और वो भी किसी और का आरक्षण छीने बगैर। तो सबसे पहली बात वो है। उसके बाद आरक्षण किसने, मराठाओं का जो आरक्षण मिला था वो किसने जाने दिया, तो उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की और सोनिया गांधी की सरकार ने उसे जाने दिया। अभी जो रिसेंटली एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सर्वपक्षीय बैठक हुई, तो उसके अंदर महाविकास आघाड़ी क्यों नहीं आई? ये बैठक हुई थी सॉल्यूशन निकालने के लिए। महाविकास आघाड़ी ने इस बैठक का बहिष्कार किया, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल कभी भी इनके ऊपर कभी भी टारगेट करते नहीं है। उनको, उनके पास एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी है टारगेट करने को, जिससे पता चलता है कि उनको मराठा समाज का की चिंता नहीं है। वो किसी के हाथों के खेल रहे हैं।
अगर उनको मराठा समाज की चिंता होती तो वो शरद पवार से सवाल पूछते कि आप ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं गए, वो उद्धव ठाकरे के घर पे घेराव डलवाते कि आप ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं गए, वो नाना पटोले का घूमना फिरना रुकवा देते महाराष्ट्र में कि आप ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं गए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ न करते हुए एक ही पक्ष और एक ही व्यक्ति के ऊपर अपने अटैक रख के, जिससे सबको पता चलता है कि उनका उद्देश्य क्या है। और मुझे लग रहा है कि मराठा समाज के जो युद्ध है उनको भी समझ में आ रहा है कि जरांगे पाटिल उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, किसी और के लिए लड़ रहा है। राइट टॉम, मिस्टर कजारिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज। आई होप दिस स्कीम रियली सक्सीड्स, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट महाराष्ट्र नीड्स। बाय द वे, जो अभी अभी अनाउंस करा है एकनाथ शिंदे जी ने, ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट है महाराष्ट्र की, और वो अगर यहाँ पर सफल हो जाते हैं दैट विल बी रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। एंड एज यू सेड, महाराष्ट्र इज द इंजन विच ड्राइव्स इंडिया एट द मोमेंट। टेंटेटिवली वी आर एट $3.942 trillion, दैट्स द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ GDP पर ईयर। होपफुली वी शुड बी एबल टू ओवरटेक जापान इन द नेक्स्ट 6 months एंड गो अप टू $4.5 trillion। If you are able to do that, nothing like it. And Maharashtra will have to play a huge part in that. Gajendra Sahab, thank you very much for joining us. Bahut bahut shukriya aapka. Aur bahut dino ke baad aap mile. Bahut dino ke baad. Ji. Bahut dino ke baad. Dhanyawad. Milenge. Thank you very much. Jai Shri Ram. Thank you. Jai Shri Ram. No, really, Pradeep ji, the thing is that where is he going to get the money from? I hope he's able to. But I think this government is doing the way वो मोदी जी आए थे दो दिन पहले और वहाँ से शुरू हो गए प्लान तरीके से, और एकादशी के दिन चीफ मिनिस्टर अनाउंसेस कि मैंने लड़की बहन के बारे में बात किया, लड़का भाई भी इसके बारे में बात करेंगे और अनाउंस किए। आई मीन, लेकिन प्रदीप जी, दोनों स्कीम्स के लिए, लाडली बहन और लाडला भाई स्कीम के लिए आपको मिनिमम मतलब 80 से 90 हज़ार करोड़ चाहिए, वो कहाँ से आएंगे सर? अब सरकार ने सोच के रखा होगा सर कुछ, देन ऑफ वेद, इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं लाखों करोड़ों का, तो वेयर दैट इज कमिंग, आई डोंट थिंक दे गोना हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस इज कंसर्न। इफ दे हैव नो प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू मनी, देन हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज़ आई डोंट सी द मनी कमिंग, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज़ अभी जो बुलेट ट्रेन के चल रहा है, इट इज वेरी एसेंशियल दैट दिस गवर्नमेंट स्टेज, देन ऑल द टॉप प्रोजेक्ट्स वर्क्स, चाहे वो मेट्रो रेल हो, बुलेट ट्रेन हो, सो द गवर्नमेंट विल सी डू एवरीथिंग टू सी दैट दिस गवर्नमेंट अगेन सर्वाइव्स फॉर द नेक्स्ट 5 years. Because they don't want to see that last 2.5 years when Uddhav Thackeray was CM, they accused that particular government of stopping all development projects. And forgetting the fact that for 2 years there was COVID and there was a lockdown. But still, there was no work going on and all projects were stopped. Except the coastal road. Yes. So it was a deliberate stop, full stop there. It was not because of COVID, I think. It was just because whatever reasons were there. So that 2.5 years were a loss of the government for the government of India. Loss of face for this industry and development never took place. So I think the government will do everything to see that this government again, the Mahayuti again takes on. I hope so, because where is he going to get the money from? Because Maharashtra, I don't think, has the resources for that kind of money. Even the budget, for example, which has been announced by Ajit Dada Pawar, it contains very, very, very unreasonable targets. I don't think he'll be able to achieve any of his targets. If he does, hats off to him. Then I don't know a thing about economics. But then one never knows. And at the moment with us from Azamgarh se is waqt hamare saath hain Samajwadi Party ke Ashok Yadav saab. Ashok Yadav saab, namaskar. Ji, namaste, namaste sir. Jai Hind sir, Jai Hind, kaise hain? Jai Hind, Jai Hind. To sir, matlab abhi to mashallah ek badi muhim chal rahi hai aapke mukhyamantri ke khilaf. Janab Yogi Adityanath ji bade is waqt bahut dabav mein dikh rahe hain अपने ही लोगों से, मौर्य साहब उनके खिलाफ बोल रहे हैं, बागी साहब लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको लगता है कि रहेंगे मुख्यमंत्री कुछ देर के? देखिए, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर के अब तक, आज तक लगातार जो कहते आए हैं डबल इंजन की सरकार, लेकिन डबल इंजन की सरकार उस गाड़ी को खींचने के लिए नहीं काम कर रहा, बल्कि आपस में टकी एनर्जी लॉस कर रहा है शुरू से ही। आप देखें वो योगी जी, हमें लगता है कि प्रथम दृष्टया पसंद भी नहीं थे बीजेपी के, वो मनोज सिन्हा साहब थे जी। जाए तो जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से
आपने देखा होगा जैसे ही अखिलेश यादव जी ने अपना आवास खाली किया, उसको गंगा जल से धुलवा दिए, एक नया इन्होंने नया मतलब काम करना शुरू किया कि अब उसको गंगा जल से धुलवाने का क्या औचित्य था समझ में नहीं आया किसी को। हम लोगों का यही मानना, लोग यही कहते हैं कि वो छुआछूत में विश्वास रखते हैं, इसलिए जो है चूंकि पिछड़े जात के मुख्यमंत्री थे और इसीलिए उन्होंने गंगा जल से धुलवाया। तो ये सारी चीज़ें उनके मुख्यमंत्रित्व काल में बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिली। आपने देखा होगा आज भी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की एक प्रक्रिया हुई थी, आप लोगों को याद होगा जी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कई बार उस पर आपत्ति जताई कि इसमें पिछड़ों दलितों के आरक्षण की लूट हुई है, लेकिन आज तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई, आज तक उनके न्याय नहीं मिल पाया। आप देखिए लगातार जो एक टर्म इन्होंने ईजाद किया है NFS, नॉट फाउंड सुटेबल जी, तो ये NFS हुआ या आउटसोर्सिंग हुआ या लेटरल एंट्री हुआ, ये सारे टूल्स इन सरकारों ने ईजाद किए हैं, चाहे योगी जी की सरकार हो या मोदी जी की, जिसमें चूंकि आपका ये जो टॉपिक है उसमें रिजर्वेशन भी एक पार्ट है, इसलिए मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। ये जी, सारे जो टॉपिक्स, ये जो सारे सारे जो चीज़ें ईजाद किया गया है, ये सारी चीज़ें पिछड़ों दलितों के आरक्षण को ही निष्प्रभावी बनाने के लिए ही किया गया है। क्योंकि देखिए आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता है, संवैधानिक प्रक्रिया है उसको आरक्षण को लागू करने में, और संवैधानिक तरीके से इसको खत्म किया जा सकता है, और किसी की हिम्मत भी नहीं कि आरक्षण के ऊपर इस तरह की बात करे। तो वो निष्प्रभावी करने में विश्वास रखते हैं कि आरक्षण को खत्म नहीं करो, निष्प्रभावी कर दो। तो निष्प्रभावी करने के लिए आपको अभी एक KGMC का एक मामला है, सर्वेश वर्मा करके कैंडिडेट थे, वो MD के बाद DM एक डिग्री होती है उसको लेकर के, उसमें रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन उनका इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो वर्मा थे, मतलब OBC जाति से थे, उनके आगे लिख दिया गया NFS। तो ये सारी चीज़ें, अभी इसके अलावा 3-4 एग्जाम्पल ऐसे हैं, एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं वही देख रहा था आपके यहाँ आने के पहले कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। एक एग्जाम्पल था GB Pant यूनिवर्सिटी का, GB Pant यूनिवर्सिटीज़ में सर ये December 2021 का मामला है, इसमें डायरेक्टर थे बद्री नारायण तिवारी, जिसमें अनरिजर्व जो कैंडिडेट थे उनका API 91 था। API बोले तो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो 91% API वालों का सिलेक्शन हुआ जो अनरिजर्व थे। उसके बाद EWS का 81 जो API था उसमें भी सिलेक्शन हो गया। OBC का जो API रखा गया 93, और उसमें जो कैंडिडेट था उसको लिखा गया NFS। तो ये सारी चीजें जहां एक भी मिनट, एक मिनट, जनरल कैटेगरी में API वाज 91, OBC में 93 जी, ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा आपको? नहीं सर, रिकॉर्ड, ये सर रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ जी, बताइए रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ सर, मैं आपको पूरा चीज पढ़ के दिखा रहा हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन द GB Pant सोशल साइंस इंस्टीट्यूट December 2021 का ये है, डायरेक्टर बद्री नारायण तिवारी, जिसमें UR अनरिजर्व का है API 91 सेलेक्टेड, इसको सर आप चेक कर लीजिएगा, और EWS का API 81 सेलेक्टेड, OBC API 93, उसके आगे लिखा है NFS नॉट फाउंड सुटेबल। तो सारी चीजें रिजर्वेशन को बाईपास करने के लिए सरकार ले आई, तो ताकि आपने, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज में VCs की का अपॉइंटमेंट हुआ सर, आप इस चीज को पता करिए, उसमें VCs के अपॉइंटमेंट में पिछड़े दलितों का बिल्कुल जो नंबर है वो लगभग जीरो है, जीरो। तो ये सारी चीजें रिजर्वेशन में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ हो चाहे वहां हो, दिल्ली में हो, हर जगह यही काम किया गया। अमित शाह जी ने कल कहा कि अगर ओबीसी को किसी ने कुछ किया है तो मोदी गवर्नमेंट ने किया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया है ओबीसी समाज को। अमित शाह जी ने पूरे पीछे जाकर कहा कि नेहरू जी के वक्त से काले कर सब कमीशन था उसको नजरअंदाज किया, 1918 में इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन को शेल्व कर दिया, 1990 में राहुल गांधी ने अपोज्ड ओबीसी रिजर्वेशंस इवन आफ्टर गिविंग अ 2.5 आवर स्पीच। नाउ ये सब, एंड अगर किसी ने रिकॉग्निशन ऑफिशियली दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब ने दिया है, तो इसमें कहीं आपको झूठ नजर आ रहा है अमित शाह जी के बोलने में? सर मैं वही एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, वही एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, तीन दो तीन एग्जांपल मेरे पास हैं जो NFS
और सर उसमें दूसरा जो आपको मैंने एक चीज बताना भूल गया कि इसके खिलाफ जो है कैंडिडेट्स कोर्ट भी गए थे, जो अभी मैंने आपको जीबी पंत यूनिवर्सिटी का जो मामला बताया था उसके खिलाफ कोर्ट गए थे लोग, जो जिनका नाम के आगे एनएफएस लिखा गया, पूरा स्टूडेंट्स जो है वहां गए कोर्ट गए, तो कोर्ट में जो उसके डायरेक्टर थे बद्री नारायण तिवारी, उन्होंने लिखित में माफी मांगी और वो सारी नियुक्तियां निरस्त हुई, फिर नए सिरे से उसका जो जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की। दूसरा आपने कहा कि अमित शाह जी ने कहा कि भाजपा ने रिजर्वेशन के लिए इतना सब कुछ किया, आपको याद हो गया होगा जब मंडल कमीशन लागू हुआ था 89 या 90 के दौर में, 90 के दौर में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो लागू करने वाली सरकार थी बीपी सिंह की सरकार, और वो सरकार चल रही थी बीजेपी के सहयोग से, लेकिन मंडल कमीशन लागू हुआ उसके बाद आडवाणी जी, अब चूंकि सरकार को अगर गिराते तो ये साबित हो जाता कि ये जो है पिछड़ा विरोधी है, तो उन्होंने कमंडल यात्रा निकाली और उसी के बहाने उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, तो बीपी सिंह की सरकार इन्होंने गिरा दी, जिन्होंने जिस सरकार ने इस हिंदुस्तान को के पिछड़ों को आरक्षण दिया, तो इनका जो चाल चरित्र और चेहरा तभी से जनता के दिमाग में है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। आप ही बताइए, आप जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आपने 10% दिया उसको आपने नवी अनुसूची में डाल दिया, आपको सर पता ही होगा संविधान संशोधन के द्वारा आपने किया जी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बिहार में जो बकायदे कास्ट सेंसस के बाद सारी मतलब जो क्राइटेरिया होती है सब कुछ फुलफिल करने के बाद वो आरक्षण हाई कोर्ट से निरस्त हो गया, तो अगर आप इतने बड़े मतलब सहयोगी हैं पिछड़ों को दलितों के, तो आप उसको नवी अनुसूची में डाल दीजिए ना, जो बिहार में तो कहने का मतलब से जो... हुआ, एक सेकेंड यादव जी, कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी हर जगह पर जाकर के, और शरद यहाँ पे शरद पवार साहब भी, जो हर जगह पे जाकर के ये कह रहे थे कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की पूरी साजिश है, योजना है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये हुआ कि आरक्षण जो दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा थी कि किसी भी तरीके से पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण खत्म किया जाए, क्या ऐसा है? इससे तो मुझे ये लग रहा है जो आप बता रहे हैं अभी उसे तो बिल्कुल यही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जी हों चाहे अखिलेश यादव जी हों, लगातार संविधान की किताब लेकर के पूरे चुनाव में उन्होंने जनता के बीच जाने का काम किया, और इसका असर ये रहा कि आपने देखा होगा माननीय मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल, कभी उनके हाथ में आपने संविधान की किताब नहीं देखी होगी। सेंगोल आपने देखा था, सेंगोल को इस तरह प्रणाम करते हुए माननीय मोदी जी को आपने देखा था, लेकिन संविधान किताब को उन्होंने कभी प्रणाम नहीं किया, लेकिन ये उसी जनता की ही देन है कि माननीय मोदी जी को संविधान को हाथ में लेके ऐसे प्रणाम करना पड़ा, आपने देखा होगा वो चित्र। लेकिन अभी तो वो मना रहे हैं सर 25 जून को संविधान हत्या दिवस। नहीं देखिए सर, एक चर्चा, वो देखिए वो एक तरह से एक चर्चा दिवस उसको कह लीजिए, कि वो चर्चा सोच रहे हैं कि इसी बहाने जो संविधान की बात विपक्ष कर रहा है उस संविधान को हम ही ऐसा कर दें कि उसके काउंटर में इस तरह करना चाहते हैं। आप देखिए संविधान ने जो चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए तमाम संवैधानिक संस्थाओं की का मतलब निर्माण किया था, ये संवैधानिक संस्थाएं जो चुनी हुई सत्ता के ऊपर अंकुश लगाती थी कि सत्ता कहीं निरंकुश ना हो जाए, कहीं डिक्टेटर का काम किया। आपने देखा है चुनाव आयोग जैसी संस्था को इन्होंने माननीय सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पैनल में सीजेआई, एलओपी और प्राइम मिनिस्टर, उसमें से सीजेआई को इन्होंने रिप्लेस किससे किया? अपने मातहत आने वाले कैबिनेट मंत्री से। क्यों किया? क्योंकि हम अपने मनमाफिक इलेक्शन कमीशन को में अपने अधिकारी को रखेंगे और जैसे चाहेंगे वैसे हाकेंगे। तो ये सारी चीजें इसी तरफ दिखा रहा था कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको मोदी सरकार कुचल रही है, और इसी वजह से विपक्ष लगातार इस बात को करता रहा कि अगर ये सत्ता में आ गए फुल मेजोरिटी से तो फिर ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि संविधान को ही खतरा हो जाएगा। लेकिन ये जो अभी अभी यादव जी ने बताया, हर एक को ये बोल रहा है और काफी देर से यह चर्चा चल रही है कि सिलेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, the chief election commissioner of India, it was supposed to have the chief justice of India, chief justice of supreme court, the prime minister under डाल दिया, इसके ऊपर अभी तक कोई explanation नहीं आया है, अभी तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी से स्पष्टीकरण अभी तक नहीं मिला है, मतलब अजीबोगरीब। हाँ प्रदीप जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, वो आप जो संविधान हत्या दिवस जो बोल रहे थे 25 जून,
तो बार बार बीजेपी हाईलाइट कर रहा है कि इंदिरा जी के वक्त पर क्या हुआ नहीं था क्या, 1,40,000 लोगों को अरेस्ट हुआ किया नहीं था क्या, पूरे देश को एक जेल नहीं बनाया था क्या, 1 करोड़ से ऊपर लोगों का नसबंदी नहीं कराया था क्या? तो ये प्रश्न तो लोगों को मालूम हुआ था तो क्या इसमें कुछ, आप तो विरोधी थे तब इमरजेंसी में जो कुछ हुआ, आप भी जयप्रकाश नारायण जी के साथ मिलकर लड़े थे इमरजेंसी के खिलाफ, आप भी अरेस्ट हो चुके थे, तो इसमें डिफरेंस कहां पर आ गए कि अब साथ में और इमरजेंसी के आप तारीफ कर रहे हो या हत्या दिवस के खिलाफ बात कर रहे हो? देखिए, जो बातें आपने उठाई उस बात का विरोध या उस बात के प्रति डिसेंशन हमारा अभी भी है कि जो 25 जून 1977 के दिन जो संविधान जो के दिन जो इस तरह का जो मतलब देश में आपातकाल थोपा गया वो गलत था, हम लोग आज भी उसको जस्टिफाई नहीं करते, हमारे किसी नेता ने उसको जस्टिफाई नहीं किया, क्योंकि वो एक घोषित आपातकाल था और जनता में एक था मैसेज था कि आपातकाल चल रहा है। लेकिन जो 2014 के बाद से जो व्यवस्था चल रही है एक तरह से अघोषित आपातकाल है। आप देखिए माननीय मोदी जी कम्युनिकेशन का कितना गैप है, वो मोनोलॉग करते हैं, कभी डायलॉग नहीं किया उन्होंने, कभी मीडिया के सामने 10 साल में इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन जब चुनाव आया इस बार वो अपने कुछ सिलेक्टेड चैनल को कुछ सिलेक्टेड जो एंकर्स उनको बुलाते थे और इतना उन सवाल भी उनका जवाब भी उनका एंकर भी उनका, बस एंकर खाली दिखावे के लिए बैठता था। उन्होंने जब कहा कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, इसके बाद भी वो सीनियर एंकर बैठे थे सामने, बस खाली गर्दन हिलाने के अलावा उनके मुंह से एक सवाल नहीं उठा कि माननीय मोदी जी आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो ये सारी चीजें जो माननीय मोदी जी ने किया, क्या वो आपातकाल से कम था? विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई के द्वारा टॉर्चर कराया गया, आज भी केजरीवाल जी जेल में है, लेकिन वही जो नेता जो लाखों करोड़ों रुपया 70,000 करोड़ का आरोपी जो है अजीत पवार, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी या ए सीरीज ऑफ इस तरह के लोग हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व थे और यही लोग कहते भी थे, उसके बाद उन लोगों को अपनी सरकार में शामिल कराना, तो ये क्या आपातकाल नहीं है? आप विपक्ष के नेताओं को धमकी दे रहे हो, आपने जो इसके पहले जो सॉरी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो चंदा लेने वाला इन्होंने कानून बनाया था, उस कानून को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने वाला है। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अगर आप देखेंगे उसमें रिसर्च करेंगे तो यही पाएंगे कि वो धमका धमका के लोगों से पैसे लिए जाते थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो यहाँ पर ईडी नहीं गई सर, यहाँ पर ईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ। नहीं, यहाँ भी आपने देखा होगा कई ऐसे इंसिडेंट आपको मिलेंगे जो ईडी या इनकम टैक्स से छापे पड़े उसके बाद उस फर्म से पैसे आए जी, क्योंकि अभी मैं उसमें डिटेल लिख है मेरे पास, अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप उसको अगर एनालिसिस करेंगे है, वो है उसमें, जी 10-15 ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी कोई जी उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि तो ये हो क्या गया, देखिए आप सबसे बड़ी बात ये इमरजेंसी 50 साल पहले हुई 1975 की बात। अब बार बार भारतीय जनता पार्टी हमेशा बार बार सीधा पंडित नेहरू के पास पहुंच जाती है, सरदार पटेल के पास पहुंच जाती है, पंडित नेहरू के पास, इंदिरा गांधी के पास, राजीव गांधी के पास। अब मेरा ये कहना है कि बार बार जब अखिलेश यादव जी भी जब इनफैक्ट वो लोकसभा में बोल रहे थे अखिलेश जी, उनका भाई अभी की बात करो ना, अभी आपने क्या किया है वो तो बताओ, जो पंडित नेहरू ने किया या इंदिरा जी ने किया या राजीव गांधी जी ने किया उसके बारे में बात करने का क्या फायदा? तो ये क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आया। और उधर भी अपने उत्तर प्रदेश में भी आप सीधा मुगलिया शासन पर चले जाते हैं, आप सीधा मतलब क्या है वो मोहम्मद घोरी और इस पे पृथ्वीराज चौहान पर चले जाते हैं, तो मतलब ये कुछ पहली बार हो रहा है शायद ये हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में। सर बताएं। देखिए इस चीज को जनता भी जानती है और सभी लोग जानते हैं कि एक तरह से जो बच्चा जब क्लास में परफॉर्म नहीं कर पाता है तो पिछले वाले के बारे में बात करता, बहुत पीछे चला जाएगा कि मेरे दादा ऐसे थे, मेरे मामा ऐसे थे, मेरे पिताजी ऐसे थे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों जो देश के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए आप नेहरू काल में चले जाएंगे, आप पटेल काल में चले जाएंगे, पता नहीं कितने एरा में चले जाते हैं पीछे,
लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? आप नेहरू जी के कार्यकाल में अगर कोई नियम लगा था या कोई भी गलत सही काम हुआ था तो उसको लेकर के आप बच नहीं सकते। आप 10 साल से सत्ता में हैं और हर चीज के लिए आप ये नहीं कर सकते इसके लिए जो नेहरू जी जिम्मेदार हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात मैं करना चाह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक सीरीज ऑफ पेपर लीक, एक दो नहीं सीरीज ऑफ पेपर लीक हुआ। और उसके बाद जब इनके लोग से पूछा जाता है, नेताओं से, तो कहते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के लोग हैं, नेक्सस है, वो वही लोग पेपर लीक करवा रहे हैं। तो आप 10 साल से क्या कर रहे हो? आप 10 साल से क्या कर रहे हो? आप अगर देखेंगे इस पे भी, अगर थोड़ा सा रिसर्च करें पेपर लीक वाले पे, तो जो गुजरात की कंपनी थी एडुजेस्ट, एडुजेस्ट कंपनी जी, जो विनीत आर्या उसके जो मतलब मालिक कर लीजिए या कोई सबसे जो बड़े अधिकारी थे सीईओ वगैरह, वो विनीत आर्या को तब तक एसटीएफ उत्तर प्रदेश की हाथ पे हाथ धरी बैठी रही जब तक वो अमेरिका नहीं चला गया। आप उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती कराते हो एडुजेस्ट कंपनी गुजराती कंपनी से, उत्तर प्रदेश में नहीं कंपनी है क्या पेपर जो करा मारने वाले? आप कांस्टेबल की भर्ती क्यों एडजस्ट करवा रहे हो? वो भाग गया, उसके बाद एसटीएफ हाथ पे हाथ, उसके बाद तब लाठी पटकना शुरू किया, वो कहां गया, कहां गया विनीत आर्या? आप देखिए उत्तर प्रदेश में ही इनके जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम ने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा बोला कि हमने बहुत सारे लोगों की नौकरियां लगाई, पैसे वापस करने मांगने के लिए कुछ कैंडिडेट गए थे, उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं देखो पास कराने की जिम्मेदारी हमारी है, नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। दूसरे मंच पे प्रकाश राज सबूत होने के बाद योगी जी की सरकार ने न तो बेदी राम के ऊपर कोई एक्शन लिया, न तो ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर कोई एक्शन लिया, न तो अभी तक पेपर लीक कराने वाले किसी माफिया घर बुलडोजर भी नहीं चला, न तो कोई कार्रवाई हुई। और उसके बाद वो कहेंगे कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल का नेक्सस अभी तक चला रहा है, तो ये हास्यास्पद बातें हैं। और जनता भी अशोक जी बट अभी कोई रिबेलियन नहीं, कोई विद्रोह नहीं, सब विद्रोह थम गया है, कोई रिबेलियन नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ 2027 तक चीफ मिनिस्टर रहेगा, और जो लोग योगी आदित्यनाथ के साथ है वो बोल रहे कि योगी आदित्यनाथ जब जाएगा सीएम पद छोड़कर, जब वो पीएम बनेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री मटेरियल बन गया है? क्या पूरा उत्तर प्रदेश यह मानता है कि योगी आदित्यनाथ आज के तारीख में अगर कोई मोदी जी को रिप्लेस कर सकता है वो नेक्स्ट इन कमांड योगी आदित्यनाथ जी है? क्या उनका कार्य कौशलता पूरे उत्तर प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश में इस स्तर का पहुंचा है कि लोग उनको मानने लगा कि अगला प्रधानमंत्री कोई होगा तो योगी आदित्यनाथ होगा? क्या ये वातावरण है यूपी में? देखिए, जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा क्वालिटी है उनके अंदर, हम लोग समझ नहीं पाए। क्या बुलडोजर का प्रयोग करना एक एडमिनिस्ट्रेशन है? क्या किसी के पैर में गोली मार देना एडमिनिस्ट्रेशन है? एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्किल होती है ये नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जो होती है वो लोगों को बीच में जा करके, हमारे लोगों के बीच में जा करके उनके समस्याओं का निदान करने में एडमिनिस्ट्रेशन झलकता है। आपको अपने जनता के लिए कैसे सुविधाएं प्रोवाइड कराना है एडमिनिस्ट्रेशन उससे झलकता है। आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो सरकारी मशीनरी है, जो कानूनी दायरे हैं, उन कानूनी दायरे में रहकर कि आप अगर कानून व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, उसको सुदृढ़ बनाते हैं, ये गुड एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान है। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि हम बुलडोजर चला के ये हो जाएगा, बुलडोजर अपनी रैली में लगा देंगे, बुलडोजर से घर गिरा देंगे किसी का, तो हम हो जाएंगे गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे नहीं होता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी 5 साल सरकार में थे, उन्होंने इस चीज को कहा, इस बात को कहा, करप्शन को अगर रोका जा सकता है तो टेक्नोलॉजी से ही रोका जा सकता है। उन्होंने पुलिस की सेवा उत्तर प्रदेश में दी, जिस उत्तर प्रदेश में आपको एक अदद थाने जाने के लिए चप्पल घिस जाती थी, वहां से कोई आता नहीं था, उसके बाद क्या क्या वहां मिन्नतें करनी पड़ती थी दरोगा जी की, तब वहां से पुलिस आती थी। उन्होंने इस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया और डायल 100 जैसी सेवा दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क और सिंगापुर पुलिसिंग के तर्ज पे हमारे अधिकारियों को भेजा रिसर्च करने के लिए, वहां से रिसर्च करके आए, तब उन्होंने डायल 100 सेवा दिया और आज 10 मिनट में शहर में, 15 मिनट में गांव में क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम पुलिस का दिया। यादव जी बीजेपी का आरोप है ऑर्डर का कि डीएम जाके जेल में मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेल रहे, ये योगी आदित्यनाथ ने भय का वातावरण बना दिया, गुंडा राज नहीं चलेगा, चलेगा बुलडोजर और एनकाउंटर शुरू कर दिए, तो ये वातावरण नहीं 180 डिग्रीज है कि यहाँ पर डीएम बैडमिंटन खेल रहे अक्यूज के साथ और यहाँ पर यू नो शूट आउट शूट होता है।
एक विनीत सिंह माफिया है, विनीत सिंह उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा माफिया है, उसके साथ बैठ के चाय पी रहे थे। सोच लीजिए, विनीत सिंह जैसे माफिया के साथ मुख्यमंत्री जी बैठ के चाय पी रहे हैं। दूसरा आपको एग्जाम्पल मैं बता दूं, यहाँ पे एक दूसरा माफिया ब्रिज फील्डिंग किया कि उनकी जमानत हो गई, उनकी, और उसके बाद जब वो निकलते हैं तो चार पुलिस के स्क्वाड आगे पीछे उनकी सुरक्षा व्यवस्था में चलता है। क्यों चलता है? आज उत्तर प्रदेश की एक एक जनता से आप पूछेंगे तो जनता यही बताती है कि कुछ जो जात विशेष के माफिया हैं, जो सरकार के नाक के बाल बने हुए हैं, उनकी जात की वजह से उनका संरक्षण दिया जा रहा है। और ये बात डंके की चोट पे लोग कहते हैं। सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई थी, आपको याद होगा, अभी साल भर हुआ होगा मुश्किल, डॉक्टर घनश्याम तिवारी, उस डॉक्टर की हत्या करने वाला थे जगत नारायण सिंह, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष थे और वो ब्याज पे पैसे बांटते थे, डॉक्टर साहब ने पैसे नहीं दे पाए, शायद उसमें उनको पीट पीट के तालिबानी तरीके से उनकी हत्या हुई। और जगत नारायण सिंह के घर न तो बुलडोजर चला, न तो उनके पैर में गोली लगी, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो, और वो किसी जात विशेष से ताल्लुकात रखते हैं। ये न कहिए तो माफियाओं के ऊपर। सर वो भी बता दें यादव जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीजेपी आईटी सेल के जो लड़के जो थे आखिर में पकड़े गए, जिन्होंने कोई अश्लील वीडियो बनाया था एक लड़की का, उसका यौन शोषण करने के बाद, क्या उनके घर पे बुलडोजर गया? नहीं सर, देखिए उनके घर पे बुलडोजर छोड़ दीजिए, उनके यहाँ तो उनको तो पूरा पुलिस संरक्षण में, वो दो महीने से प्रचार किए मध्य प्रदेश और कहाँ कहाँ जो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, और उसमें पार्षद के रिश्तेदार था जो बनारस में, तो उन लोगों को पुलिस तब जाके अरेस्ट की जब इतना ज्यादा मामला हाईलाइट हो गया हर मीडिया में। मीडिया को सलाम करता हूँ कि कम से कम मीडिया के साथ ही मीडिया में ये सब मामले उठाए जाते हैं, और उसके बाद जब बहुत दबाव पड़ा तब उनको गिरफ्तार किया गया। और किसी के पैर में लंगड़ा अभियान के तहत जो गोली नहीं मारी गई, और न तो किसी घर का रास्ता बुलडोजर देखा, तो ये सारी चीजें, किसी का एनकाउंटर हुआ, वही मैं कह रहा हूँ सर, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हो रही, तो जनता जान रही है कि सरकार में जो बुलडोजर, अभी संजय निषाद ने कहा ना कि आप गरीबों के घर पे, पिछड़े के घर पे बुलडोजर चलाओगे तो आप सोचोगे उनसे वोट भी मिल जाए। आप बुलडोजर चलाते हैं, अजय मिश्र टेनी का लड़का जो किसानों के ऊपर थार चढ़ा दिया था, उतना विभत्स नजारा हिंदुस्तान में कोई नहीं देखा होगा। उस नजारे के बाद भी अजय मिश्र टेनी घर का रास्ता बुलडोजर नहीं देखा, उनके यहाँ किसी का पैर में गोली नहीं लगी। तो लोगों को लगता है कि इनका जो बुलडोजर जस्टिस है या इनकाउंटर जस्टिस है, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, इनके जो खास लोग हैं उनको बचाता है बुलडोजर। अशोक यादव जी, लेकिन प्रदीप जी ने जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दिया नहीं आपने। कौन सा सर? क्या योगी आदित्यनाथ जी असल में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? देखिए सर, ये सवाल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है, अभी इसका जवाब मुझे लगता है कि कहीं ये बात तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये बात बीजेपी में बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई, इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ जी को वापस गोरखपुर भेजने की तैयारी है, कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए ये लोग हमारी सरकार में, जब अखिलेश जी की सरकार थे तो कहते थे पांच पांच मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे, पांच पांच मुख्यमंत्री जुड़ाते थे किसको किसको, चाचा को और किसको किसको जी। अब ये बताइए कि इस योगी सरकार में क्या स्थिति है? यहाँ पे एक आरएसएस है, एक अमित शाह जी है, एक योगी जी का ग्रुप है, और एक, हाँ, एक उनका केशव प्रसाद मौर्य जी का ग्रुप है, एक ब्रजेश पाठक जी का ग्रुप है। तो सारे ग्रुप में टकराहट हो रही है, और इस टकराहट की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी का जो कहते थे ना बहुत हमारा शिष्टाचार है, बहुत हमारे यहाँ ये है वो है, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक नेचुरल प्रकृति का नियम है कि जब शरीर कमजोर होती है तो बहुत सारी जो बीमारियां अंदर छुपी रहती हैं वो बाहर आ जाती हैं। तो वही स्थिति आज इस योगी सरकार के साथ है, जब ये कमजोर हुए तो अनुप्रिया पटेल भी अपना अलग राग अलाप रही हैं, संजय निषाद अलग राग अलाप रहे हैं। सबसे बड़ी बात, रोचक बात है मोदी सिंह जी का, जिन्होंने कहा कि हमारे 42 साल के राजनीतिक करियर में इतना भ्रष्टाचार हमने नहीं देखा था जो योगी सरकार में। तो ये सारी चीजें इस तरफ दिखा इस चीज को दिखा रही हैं सर कि योगी जी एक अच्छे प्रशासक नहीं साबित हुए। हाँ, वो बुलडोजर जस्टिस देने में उनका एक मतलब जो सस्ती लोकप्रियता जिसको कहते हैं ना, सस्ती लोकप्रियता, उस सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए उन्होंने बुलडोजर का जो है रुख अपनाया, लेकिन इससे एक अच्छे प्रशासक होने की उनकी छवि नहीं बन सकती।
तो 2027 में क्या होने वाला है सर? अभी मैं मानता हूँ वक्त है काफी, 2.5 साल पड़े हैं, लेकिन 2027 जहां तक सवाल है, ये आपने देखा होगा जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव में जो जनता ने मैंडेट दिया, बहुत ही मतलब सोचने की बात है। जो भारतीय जनता पार्टी समाज में फैनेटिज्म फैलाती थी, जो धर्मांधता फैलाती थी, और सारे मूलभूत मुद्दे चाहे अग्निवीर हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान हत्या हो, किसान उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, सारे जो बुनियादी समस्याएं हैं उनके ऊपर धर्म का रेड कारपेट बिछा करके सोचते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी जी, कि हम चुनाव दर चुनाव इसी तरह जीतते जाएंगे। छद्म राष्ट्रवाद और धर्मांधता फैनेटिज्म और जिंगोइज्म, तमाम ऐसी चीजें, लेकिन जनता ने दिखाया, उसने अयोध्या हराया, बद्रीनाथ हराया, और नासिक हराया, रामेश्वर हराया, रामटेक हराया, सारे धार्मिक जगहों से इनको हराया, और जनता ने कहा कि आपको सरकार हमने चुना है, आप हमारी समस्याओं पे ध्यान दीजिए, पूजा पाठ हम लोग कर लेंगे अपने अपने भगवान लोगों का, पूजा पाठ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर बहकाने के लिए धर्म का सहारा लेंगे तो ये नहीं चलेगा। शंकराचार्य लोगों ने भी आवाज उठाई थी, आपको याद होगा 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने भी कहा कि पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिकल वेटेज के लिए मंदिर का अधूरा मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि 2027 में योगी सरकार को यहां से विदाई का टिकट अभी जनता ने काट के दे दिया, बस खाली 27 में उनके हाथ में पकड़ाएगी टिकट की, जाइए आप अपना दूसरा काम करिए कोई। और अभी चलते चलते आखिरी सवाल, अभी शायद 10 असेंबली चुनाव होने वाले हैं सर, अभी जी 10 असेंबली बाई इलेक्शन है, जिसमें 5 आपकी है, 5 बाकी लोगों की, उसमें क्या होने वाला है सर? रिजल्ट वही आएगा जो अभी बाई इलेक्शन में आया कि जरा अलग होगा? वैसे ही है सेम वैसे ही जो बाई इलेक्शन में आया है, 13 में से 2 भाजपा ने जीता, 1 निर्दलीय ने जीता, 10 इंडिया गठबंधन ने जीता जी। कमोबेश यही स्थिति इन उत्तर प्रदेश के 10 जो उपचुनाव हैं, इनमें भी वही रेशियो आपको मिलेगा। ये मैं डंके की चोट पे कर रहा हूं। क्या बात है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक यादव जी, आजमगढ़ के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। But really speaking, there's a lot of talk that there's a plan to send Yogi Adityanath back to his mutt. Or the Prime Minister. के वापस गुर गुर और आप जो बोल रहे हैं ना प्रदीप जी, जान जान के जो आप बोल रहे हैं ना, ये सब लोगों ने यही बोल बोल के बेचारे योगी आदित्यनाथ जी की स्थिति में तकलीफ ला दी है। आप नॉर्मल एक बीजेपी वोटर को पूछो कि हु इज The next capable Prime Minister. They always say Yogi Adityanath. And I agree. Everybody, majority will tell you that yes. Yogi Adityanath is our next choice. Good. And his followers are saying he will be replaced as a CM only when if he is going PM. To be a Prime Minister. When he becomes PM. Yes, exactly, sir. Exactly. Right, now at the moment with us, Mr. Pramod Sinha of the RJD. He's with us, Mr. Pramod Sinha of the RJD. There was somebody saying something in my ear. What was it? From Patna. Yeah, he's from Patna, right. But I thought so. I thought I had his name wrong. It is Mr. Pramod Sinha. Yes, right? Yes. Pramod Sinha ji, namaskar. Namaskar, sir. Sir, aapki awaaz nahi aa rahi. I think aapka audio jo hai mute pe hai, sir. Sir, boliye kuch. Namaskar. Ji, bilkul, aa rahi hai. First class aa rahi hai awaaz. Sir, aap Patna se hamare saath jude, iske liye aapka bahut bahut shukriya. Thank you so much, sir. सर तो आप ये बता दें, जो अभी जो अटकलें लगाई जा रही हैं बिहार को लेकर के, क्या नीतीश बाबू दोबारा आपसे यानी आरजेडी से तेजस्वी यादव जी से क्या फिर दोबारा संपर्क में आ गए हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या सर? सिन्हा साहब देखिए, इस प्रकार की कोई जो आप बात बोल रहे हैं उसका हम सीधा उत्तर देते हैं। अभी जो बिहार की स्थिति है, आप देख रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है जी। उसके अलावा जो है देख रहे हैं भ्रष्टाचार भी अपने आकंठ पे है, पुल पुलिया का लगातार जो है आप 10 से 15 दिनों के भीतर में आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से दर्जनों पुल पुलिया भरभरा करके गिर रहे हैं जी, बह जा रहे हैं, उद्घाटन के पहले ही जो है पुल जो उद्घाटन भी नहीं हुआ, फिर निर्माण के ही प्रक्रिया में है वो गिर जा रहे हैं। तो ये समझने की बात है कि बिहार में किस प्रकार का जो है सिचुएशन बना हुआ है। और रहा सवाल जो आपने सवाल किया है, तो अभी
ये कह देना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2025 का बिहार विधानसभा के चुनाव का। हम लोग बिहार की जनता के प्रति कमिटेड हैं, कि बिहार की जनता, आपने देखा था कि 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार की जनता से कमिटमेंट किया था कि हम जब आएंगे सरकार में तो 10 लाख सरकारी नौकरियां हम देने का काम करेंगे, क्योंकि कई लाख सरकारी रिक्त पद पड़े हुए थे। तो जैसे ही, हालांकि 2020 में मात्र 12,000 वोट के अंतर से हम लोग पिछड़ गए, लेकिन 2022 में 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार पर और 17 माह के अल्पकाल में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में जो कमिटमेंट करने का काम किया था बिहार की जनता के साथ, तो उन कमिटमेंट के अनुसार लगभग 5 लाख जो है सरकारी नौकरियां देने का काम किया। उसके अलावा आप देखिए, सरकार में जब रहे तो उन्होंने IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी और ना जाने अनगिनत कई नीतियों को का क्रियान्वयन करवाने का काम किया। और साथ ही साथ आप देख, अपने चैनल के माध्यम से देखते होंगे कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किस प्रकार से लगातार रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे लगातार जो है औचक निरीक्षण करते थे अस्पतालों का और अन्य जगहों का। तो ये सब सवाल हम लोगों ने जो मात्र 17 माह के कार्यकाल में अपना जो करने का काम किया था, उसी आधार पर हम लोग 2025 का जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें हम लोग जाने का काम करेंगे। और वर्तमान में जो सरकार है, जो उनकी जो नीतियां हैं, या चाहे वो आप लॉ एंड ऑर्डर के सवाल को देख लीजिए, भ्रष्टाचार के सवाल को देख लीजिए, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इन तमाम चीजों को लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। तो प्रमोद सिन्हा जी, दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स, बाय द वे, ऑन जुलाई द 10th, 10 जुलाई को 13वां पुल गिरा है, 13th ब्रिज हैज फॉलन इन बिहार, सहरसा जिले में इन महिषी गांव में 13वां ब्रिज। सर ये क्या है, मतलब वी विल गो ऑन टू पॉलिटिक्स लेटर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये क्यों हो रहा है। आई हैव नेवर हर्ड सच अ थिंग बिफोर, 40 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में सर, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी स्टेट में 13 ब्रिज गिर गए हो। बाकी सात कहां है मालूम नहीं। सिन्हा साहब बताएं, प्रमुख सिन्हा साहब। नहीं नहीं, 15-16 के करीब हो गए हैं जी। और ये जो सबसे सबसे बड़ा बात है कि 17 साल से लगातार जो है बिहार में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी 10 साल से डबल इंजन की सरकार कह लीजिए, जो बिहार में सरकार है, केंद्र में जो है भाजपा NDA की सरकार है। आप देख लीजिए जिस प्रकार से पुल पुलियों का यूं भड़भड़ा करके गिर जाना, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना, ये अपने आप में बतलाता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है, लापरवाही चरम सीमा पर है, कमीशन खोरी चरम सीमा पर है, ये समझने की बात है। और इस ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 3C से कभी समझौता नहीं करते हैं, चाहे वो क्राइम की बात कर लें, कम्युनिज्म की बात कर लें या करप्शन की बात कर लें, लेकिन तमाम बिंदुओं पर तो वो फेल नजर आ रहे हैं। ये समझने की जरूरत है। और ये देश में एकमात्र राज्य बिहार जो है जिस प्रकार की ये घटना घटती है, और उनके लोग, ये भाजपा जदयू के लोग ये कहते हैं कि तेज धारा में पानी का बहाव आने से इस प्रकार की हो गई। तो अगर पुल पुलिया का जो निर्माण होता है वो धारा की प्रवाह को ही तो देख करके बनाया जाता है। दूसरी बात है कि अगर कोई मकान बन रहा है तो भूकंप किस स्तर पर आएगा तो उस हिसाब से मकान बनाया जाता है। उसमें पानी का बहाव, पानी का संचयन, पानी का संचरण, इन तमाम चीजों को ही तो देख करके पुल पुलियों का निर्माण किया जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई पुले 1990, एक दो पुले जो है 1990 के समय की भी बनी हुई थी, 90-91 के समय की, कुछ पुले 2011-10-11 की भी बनी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने लंबे अवधि से सरकार है, लेकिन बावजूद जो है ये लोग जो रख रखाव की जो व्यवस्था होती उस पर ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। रख रखाव की कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है इन पुल पुलियों का, जो रख रखाव होना चाहिए। अगर कोई लंबी अवधि से है, 40 साल 50 साल का भी कोई पुल बना हुआ है, तो उसकी रख रखाव की जवाबदेही जो राज्य सरकार की होती है उस पर इन्होंने अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं किया था। तो सिन्हा साहब, जो अभी ऑडिट करना था
नीतीश कुमार जी ने अभी अभी एक मीटिंग ली थी बड़े बड़े अधिकारियों की, जिसके अंदर मंत्री जी को भी नहीं बुलाया गया, सिर्फ अधिकारियों को बुलाया गया कि भाई इन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट कीजिए, तो वो शुरू हुआ। उसके शुरू होने तक 5 और ब्रिज गिर गए सर। देखिए यही आपने अपने प्रश्न में ही कुछ उत्तर जो है दे देने का काम किया कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग करते हैं इस संबंध में कि पुल पुलियों का लगातार धाराशाही क्यों हो जा रहा है, और उसमें संबंधित विभाग के मंत्री को ही नहीं बुलाया जाता है, संबंधित विभाग के मंत्री ही उपस्थित नहीं होते हैं। वे उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है कि किस प्रकार से वे संवेदनशील है इन विषयों को लेकर के, ये समझने की बात है। अब पदाधिकारी जो है, पदाधिकारी तो वही फीडबैक देंगे ना, चूंकि पुल पुलियों का जितना भी क्रियान्वयन होता है उसमें पदाधिकारी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, तो बाकी चीजों में अब फीडबैक पदाधिकारी क्या देने का काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री को, ये भी समझने की जरूरत है। अगर संबंधित विभाग के मंत्री होते तो शायद वो मंत्री जो है कुछ ऐसी बातें बतलाते जो पदाधिकारियों का जो कहीं ना कहीं चूक है, लापरवाही है, जो भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है, उन तमाम विषयों पर भी वो बतलाने का काम करते, लेकिन संबंधित विभाग के मंत्री ही वहां पे उपस्थित नहीं होते। लेकिन प्रमोद सिन्हा साहब, सॉरी मैं सब्जेक्ट पर थोड़ा सा और बात कर रहा हूं, उसके बाद प्रदीप जी सवाल पूछेंगे। सर ये तो समझ में आता है कि 1990 का बना हुआ ब्रिज, उसमें कुछ हो गया, वैसे वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें मुंबई शहर में, दिल्ली में 1905 में बना हुआ ब्रिज, 1870 में बना हुआ ब्रिज अभी तक ज्यों का त्यों खड़ा है, कुछ नहीं हुआ उसमें। और तो और छोड़िए सर, बाकी सब बात छोड़ दीजिए, दिल्ली के लाल किले को देख लीजिए, आज तक दिल्ली के लाल किले की छत आज तक कभी लीक नहीं करी है, अभी तक वैसी की वैसी है। हमारे जितने पुराने मंदिर हैं वो देख लीजिए, अजंता एलोरा केव्स में आज तक कभी लीकेज नहीं हुआ है। सर ये बताएं कि ये अररिया का जो ब्रिज था, किशनगंज का जो ब्रिज था, वो तो अभी अभी बना है, उसका तो उद्घाटन भी नहीं हुआ था, उद्घाटन के पहले ही कैसे गिर गया? प्रमोद सिन्हा साहब बिल्कुल यही बातें तो मैं कहने का काम कर रहा हूँ कि लगातार देखिए जो निर्माणाधीन पुल थे जिसका अभी उद्घाटन का इंतजार हो रहा था और वो पुल भी धाराशायी हो जाते हैं, तो ये तो इसका तो इससे तो ये स्पष्ट हो जाता है ना कि कहीं ना कहीं इसमें जो है घोर लापरवाही हुई है। जो मानक निर्धारित होते हैं पुल पुलिया के निर्माण में उनकी अनदेखी की गई है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक व्याप्त है, ये समझने की जरूरत है। और जो एक बातें जो मैंने कहा कि एक पुल जो है जो 1990-91 का था, तो वो पुल के रख रखाव की चूंकि एक लंबे अवधि से, मान लीजिए अभी 2005 से 2024 तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, तो इसके रख रखाव की जवाबदेही और जिम्मेवारी जो है वो होनी चाहिए राज्य सरकार की, तो वो अगर जवाबदेही और जिम्मेवारी का निर्वहन अगर किया होता, रख रखाव की व्यवस्था की जाती, तो इस प्रकार की घटनाएं। और दूसरा जो क्राइम है, आपने कहा 3 C तो बोले, एक है करप्शन, तो आपने एड्रेस कर लिया कि वजह सब करप्शन से हो रहा है। दूसरा जो क्राइम है, जो आज तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जैसे हस्बैंड वाइफ का मर्डर हो गया स्टैबिंग ईस्ट चंपारण में, ट्रिपल मर्डर सरान में, दो माइनर बच्ची को मार डाला, यंग मैन वुमन मर्डर्ड इन छपरा, फैमिली प्लानिंग ऑफिसर शॉट डेड इन पटना, टीन एजर मर्डर्ड इन फ्लडेड पटना, तो एक के बाद तेजस्वी यादव जी ने हाईलाइट किया कि करप्शन तो है ही, अब क्राइम भी आपके बस की बात नहीं है, क्राइम भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ये क्राइम कंट्रोल हो क्यों नहीं रहा? सिन्हा साहब ये क्या तकलीफ है? क्या सुशासन में नीतीश कुमार जी के बहुत चल रहा कि जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेशन परम सीमा, तो क्या ये क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा बिहार में? देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये कल परसों की ही सिर्फ बात नहीं है, पिछले एक महीना से लगातार जो है वो सरकार को आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं, सरकार को डायरेक्ट भी बोल रहे हैं और सोशल साइट पर भी वे अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं कि आप देखिए कि बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर कितनी बड़ी समस्या, लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से कोलैप्स कर गया है लगातार, मतलब एक एक दिन में दर्जनों हत्याएं हो जा रही हैं। आप देखिए कि कल मुकेश साहनी जी जो पूर्व मंत्री थे बिहार सरकार में, VIP के संरक्षक है, उनके पिता की हत्या हो जाती है। अभी आप सारण का जो उल्लेख कर रहे थे, पिता और उसकी दो नाबालिग पुत्रियों का हत्या कर दिया जाता है,
माँ जो है गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती है। लगातार हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना के भीतर, ये बिहार की राजधानी और राजधानी पटना के भीतर लगातार जो है कई घटनाएं घटने का काम कर रही है। दो तीन दिन के भीतर मात्र हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 40 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है। सिर्फ हत्या की घटनाएं वो हैं, लगातार जो है गैंग रेप की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं लगातार घट रही है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इन सवालों को लेकर के सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर क्यों ध्वस्त है, क्यों आप इस पर। अब देखिए ये लगातार जो है 15-20 दिन से हमारे नेता सवाल कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक भी हाई लेवल मीटिंग अभी तक नहीं हो पाया। एक बहुत उन्होंने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कही है तेजस्वी यादव जी ने, उन्होंने ये कहा है कि 20 तो पुल गिरे हैं, जो पुलिया गिरी हैं वो तो अनगिनत हैं, जो छोटी छोटी जो पाथवे बनाते हैं किसी नदी के ऊपर, छोटी सी स्ट्रीम के ऊपर, वो कहां कहां कोलैप्स हुआ है किसी को मालूम ही नहीं है सिन्हा साहब। हाँ, वो तो सरकार के स्तर पर भी ये बातें कही जा रही है कि इन कौन लोगों के द्वारा ये बना है अभी सरकार को भी नहीं पता है। उन जो छोटे छोटे जो पुल जो बह जा रहे हैं अचानक से, तो सवाल उठता है कि जो संवेदक जिनको ये सब काम दिया जाता है उसकी निगरानी संबंधित विभाग के इंजीनियर को करना होता है निर्माण के दौरान, न कि निर्माण के बाद। निर्माण के दौरान अगर जो उसमें सामग्री दी जाती है उसकी गुणवत्ता की जांच अगर वो करें, जो मानक निर्धारित है उन तमाम चीजों को अगर उस समय देखें, तो इन तरह की घटनाएं नहीं होंगी। तो लेकिन फिर भी सुशासन बाबू कहते हैं उनको, बिल्कुल वही, फिर भी सुशासन बाबू है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि लगातार जो है ये अपना जो है इस प्रकार के शब्दों का, सुशासन, मंगलराज, इस प्रकार के शब्दों का जो है उपमा ये लोग देने का काम करते हैं। अब बताइए कि इस प्रकार की लगातार जो है घटनाएं जो लॉ एंड ऑर्डर पे हो रहा है और ये अपने आप को मंगल राज कहते हैं, अगर ये मंगल राज है तो आप समझिए कि फिर जो है से महाजंगल राज किसको आप कहेंगे। आप राजधानी पटना की बात कर लीजिए, कहीं भी जो है पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था होती है, धरपकड़ की व्यवस्था होती है, चेकिंग होनी चाहिए लगातार। आखिर अपराधी जो अपराध करके भाग जा रहे हैं, हथियार के साथ घूम रहे हैं, तो अगर चेकिंग हो लगातार इसका प्रॉपर, तो कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी मोड़ पर वो अपराधी पहले धरे जाए, तो घटनाएं घटने से पहले भी इस अपराध को रोका जा सकता है। लेकिन बीजेपी तो पार्टनर है सर उनकी, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के ऊपर ही हम लोग जिम्मेवारी तो नहीं मर सकते ना, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में। मैंने शुरू में ही कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी और दो उप मुख्यमंत्री जी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जो है भाजपा के लोगों का तो बयान जब आप सुनिएगा किसी भी चीज में, अगर देश स्तर पर कोई बात होती है तो इंदिरा और नेहरू को जिम्मेवार ठहराने का काम करते हैं, और बिहार स्तर पर बात होती है तो पूर्ववर्ती सरकारों पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। वही नेहरू को आज भी दोषी ठहरा। अमित शाह जी ने कल कहा कि अगर ओबीसी समाज को किसने न्याय दिया है वो मोदी जी ने दिया है। नेहरू जी के वक्त से उन्होंने गिनाया कि नेहरू जी ने काका कलेकर कमीशन का रिपोर्ट को शेल्व कर दिया, इंप्लीमेंट नहीं किया। इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को शेल्व कर दिया, इंप्लीमेंट करने से ना कर दिया। राजीव गांधी अपोस्ट ओबीसी रिजर्वेशन ढाई घंटे के स्पीच, ये अमित शाह जी का कहना है। और कह रहे हैं कि अगर किसी ने ओबीसी को न्याय दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दिया है, वो मोदी जी ने दिया है। ओबीसी कमीशन उन्होंने बनाया है, ओबीसी कमीशन ओबीसीओ को राइट देने के लिए, तो क्या आप इसको नकार सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन मोदी जी ने दिया है, अमित शाह जी का कहना है। देखिए अभी जो बातें हो रही है, सबसे पहले हम बिहार के संदर्भ में एक बातें कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम उस पर आ जाएंगे। जी बोलिए सर। बिहार में अभी 17 महीनों की सरकार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई थी कि जातीय गणना कराई गई थी, जातीय सर्वे कराया गया था। उस सर्वे में कई तथ्य सामने उभर करके आए, और उसमें सबसे बड़ा तथ्य यह था कि बिहार की जो 94 लाख परिवार हैं उनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपये से कम है। ये समझने की जरूरत है, आर्थिक रूप से भी बिहार की जो स्थिति है वो दर्शाने का काम किया गया था उसमें। दूसरी बात की थी कि जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमारी सरकार जो महागठबंधन की सरकार थी
उसमें जो है आरक्षण का दायरा बढ़ा करके उसको 65% और 10% जो EWS का दायरा था उसको बरकरार रखते हुए 75% करने का काम किया गया था। और आप देखिए उस हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार इवन कि लोकसभा के जो चुनाव हुए लोकसभा चुनाव में तमाम जनसभाओं में उन्होंने ये कहने का काम किया कि इसको नौवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। केंद्र सरकार अगर इसे नौवीं अनुसूची में शामिल कर लेती तो आज हाईकोर्ट जो इसे रद्द कर दिया ये आज घटना नहीं घटी होती, पहली बात। और हम लोग लगातार जो है देखिए जातीय गणना के मुद्दे पर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार संघर्ष करते रहे, जन संघर्ष भी किए, सड़क से लेके सदन तक जो है संघर्ष करने का काम किए, आंदोलन करने का काम किए। और उनका प्रयास था कि देश स्तर पर जो है जातीय जनगणना हो और जिससे ये पता चले कि आखिर पूरे देश में कौन सी वो आबादी है जो पिछड़े समुदाय में है, उनको समाज के मुख्य धारा में हम कैसे लाएं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में है उनको हम किस तरह से बूस्टअप करें, किस प्रकार से उनको मजबूती प्रदान करें ताकि वो समाज के मुख्य धारा में आने का काम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ रूप से डिनाई करने का काम किया, केंद्र की सरकार ने डिनाई किया और तब जो है बिहार सरकार ने उसे अपने खर्चे पर इसे लागू करने का काम किया, जातीय जनगणना कराया और रिजल्ट आप देख रहे हैं। अगर इसे नौवीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और भाजपा की जहां तक ये बात है जो अमित शाह जो बात बोल रहे हैं तो आप देखिए कि आरक्षण की समीक्षा की बात कौन लोग करते रहे हैं, लगातार करते रहे हैं। ये लोग जो है कहते रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, संविधान समीक्षा आयोग का ये लोग गठन किए हैं। तो ये लोग तो सिर्फ जो है बातों के भ्रम जाल में लोगों को फंसाने का काम करते हैं, लेकिन जब असल में उनको हक और अधिकार दिलाने की बात होती है तो ये गौण पड़ जाते हैं। हम तो कहते हैं साहब, आपने जिन जिन समस्याओं का उल्लेख यहाँ पर किया और जिस प्रकार तेजस्वी यादव जी ने बहुत कोशिश करी कि किसी भी तरह इनका समाधान निकाला जाए, ये बात जो है ये किसी से छुपी हुई नहीं है, हर एक को मालूम है कि किस प्रकार नौकरियां दी गई, किस प्रकार कास्ट बेस्ड सेंसस करवाया गया। लेकिन उसके बावजूद आरजेडी की इतनी कम सीटें क्यों आई सर? हम सब लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोगों का अनुमान था कि कम से कम 15 से 20 सीटें आपकी आएंगी लोकसभा में, मतलब 20 से कम तो नहीं आनी चाहिए। ये कैसे हो गया सर, ये जरा बताएं प्रमोद सिन्हा साहब। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो प्रश्न उठाया है हम लोगों के लिए भी जो परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग भी समझते हैं कि आंकड़े में जो है जो संख्या बढ़ी, जो हम लोग 4 सीट पर आए और 1 सीट से 9 सीट पर हम लोग महागठबंधन आया, लेकिन हम लोगों को अभी उम्मीद था कि कम से कम 20 प्लस का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे। बिल्कुल, लेकिन कई सीटें ऐसी थी जहां पर हम मामूली 10,000-12,000 के अंतर से हार गए, और वैसी सीटें जहां पर हम पिछली बार लोकसभा के 2019 के चुनाव में 4,22,000 वोट के अंतर से हारे थे वहां पर हम 21,000 और 29,000 जहां 3,25,000 के वोट के अंतर से हार रहे हैं, 3,40,000 के वोट के अंतर से 2019 में हारे, वहां पर हम लोग जो है बहुत कम मार्जिन से हारे। आप देखिए सारण का जो सीट था मात्र हम लोग 13,000 वोट के अंतर से हारे जी। तो ये इस प्रकार की कई ऐसे सीटें रही जो कई बहुत कम अंतर से हम लोग हारे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है बिहार में, आप देखिए कि अगर मत प्रतिशत का आप तुलनात्मक अध्ययन करिएगा तो 2019 में हमारा जो मत प्रतिशत आया था वो 15% आया था, लेकिन इस बार के जो 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें हम लोगों ने 22.5% अकेले, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूँ, 22.5% मत आया। भारतीय जनता पार्टी का जो 22.5% मत आया था, ऐसा 24% मत आया था, वो 20% आया। जनता दल यूनाइटेड का जो मत जो है 22% आया था वो घट करके 18% हुआ। देखिए कहीं ना कहीं उनकी सीटें घटी। क्या पीडीए जो अखिलेश यादव जी ने पीडीए फॉर्मूला वहां पर लगाए थे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्या ऐसे कुछ फॉर्मूला अगर यहां पर लगाते तो क्या तेजस्वी यादव जी इम्पोज करते तो क्या रिजल्ट कुछ और होता? क्या ऐसे कोई सिस्टम लेके आ सकते थे आप, और जो आपने कहा कि नहीं किया आपने पीडीए सिस्टम? नहीं, देखिए बतलाने वाली बात है
कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कई जनसभाओं में आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने माए बाप की बात की और माए बाप में पूरे समाज के सभी वर्गों का उन्होंने ख्याल रखने का काम किया। ये समझने की जरूरत, जो 23 सीटें हम लोगों को मिली थी तो उन तमाम सीटों पर ए टू जेड को किसी वर्ग समाज को उपेक्षित नहीं रखा गया, चाहे वो दलित महादलित परिवार से थे, पिछड़े अति पिछड़े परिवार से थे, माइनॉरिटी से थे या सवर्ण समाज के लोग थे, तमाम वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व देने का काम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया था। ये समझने वाली बात है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक भी नहीं किया, वो लोग तो मातृशक्ति और महिला सशक्तिकरण की तमाम दावे करते हैं लेकिन एक भी महिला उम्मीदवार को उतारने का काम नहीं किए। हम लोगों ने 6 महिला प्रत्याशी उतारने का काम किए थे। तो ये कहना कि ये होता तो अच्छा होता, ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लेकिन एक चीज है सर, प्रमोद सिन्हा साहब, जितना बेहतर जो है हमारे नेता ने जो काम किया था। और आप देखिए प्रमोद सिन्हा साहब जी, एक चीज है, जिस प्रकार भीड़ आ रही थी, जिस प्रकार लाखों की भीड़ आ रही थी तेजस्वी यादव जी की रैलीज में, उससे तो ये लग रहा था कि आप क्लीन स्वीप करने वाले हैं सर, वेरी फ्रेंकली बिल्कुल यही लग रहा था कि अब तो मतलब हो गया। और अगर मान लीजिए, मैं कहता हूं आपकी 15 भी सीटें आ जाती, इधर बीजेपी की 15 कम हो जाती, आप खुद सोच लीजिए क्या हाल होता, बताएं सर। आप कुछ बोल रहे थे, सिन्हा साहब बोलिए। देखिए जी सर, प्लीज गो अहेड सर, वी कैन हियर यू। नहीं, ये बात हम लोगों ने भी आपको बतलाने की उपेक्षा थी कि कम से कम जो है 20+ भीड़ तो हमारे, आप देखिए मार्च का जो महीना था और जब महागठबंधन की सरकार से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जब चले गए तो उसके बाद हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो जन विश्वास रैली का आह्वान किए थे पटना के गांधी मैदान, और उसके पहले वे तमाम जिलों में जाने का काम किए थे। बीच में नुक्कड़ सभा, मतलब कि जो होता है सड़कों पर जो है सभा करने का भी वो काम किए थे, और सड़कों पर लाखों की आबादी उमड़ पड़ती थी। मतलब देखने वाली बात थी कि बिहार की जनता जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो 17 माह के अल्पकाल में उन्होंने जो काम किया था, तो उसको देखते हुए नेता के प्रति जो है बिहार की जनता में काफी एक उत्साह था, और वो उत्साह कहीं ना कहीं जो है लगातार जो चुनावी जनसभाएं थी जिनका जिक्र आप कर रहे थे उसमें भी देखने को मिला। और मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए कई ऐसी सीटें, जिन सीटों पर मैं जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ पे 4,22,000, बेगूसराय सीट का जिक्र है, 4,22,000 पर जो है हम पिछली बार हार गए थे, वो घट करके हजारों में चली आती है। जहाँ पर हम 3,40,000 वोट से हारे थे शिवहर, वहाँ हम जो है मात्र 21,000 वोट के अंतर से हार जाते। कई ऐसे सीटें हैं, सारण का सीट आप देख लीजिए 13,000। तो कहीं ना कहीं ये देखिए आंकड़ों में, संख्या बल में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारी सीटें कम आई, लेकिन मत प्रतिशत में जो है हमारा जो मत प्रतिशत है वो काफी बढ़ा। और देखिएगा कि बिहार विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति जो बिहार की जनता में जो विश्वास है, जो जन विश्वास है, वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद में परिवर्तित होगा, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी निस्संदेह बिहार के भावी मुख्यमंत्री बनेंगे। जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर, प्रमोद सिन्हा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े पटना से। धन्यवाद आपका भी सर, रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो मच, आप आते रहिए, मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद, धन्यवाद। प्रमोद सिन्हा साहब फ्रॉम दी आरजेडी फ्रॉम पटना। I'm very surprised, very frankly speaking. You know the kind of rallies that both Tejasvi Yadav and Rahul Gandhi held in Patna and elsewhere. Oh my God, I have never seen such a crowd before. Sir, वो जातीय समीकरण के सामने कुछ नहीं चलता है. Ultimately, it all sees, we see that. Yeah. But the only thing is what Pramod Sinha Saab said. It's very important. They lost some seats by 4.5 lakh votes in 2019, and now they've lost them by about 20,000 votes. So which means
that the assembly results will be very different. Vidhan Sabha ke jo chunav honge, wo zara alag honge. In any event, we'll talk about that later. At the moment with us, we have our very dear old friend, one of the best spokesmen that we've ever seen from the Congress, Nizamuddin Rahim Sahab. Nizamuddin Rahim Sahab, namaskar. Namaskar sir, namaskar. Sir, kaise hain? एकदम बढ़िया सर। सर राहुल गांधी जी की जो बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ रही है पूरे देश में, जहां जा रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, लोग उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि तरह बीजेपी बहुत ज्यादा घबरा गई है। बार बार बोल रहे हैं तो तीसरी बार फेल हुए हैं, 100 सीटें भी नहीं ला पाए, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या कहेंगे सर इसके बारे में आप? निजाम साहब, निजाम साहब आपको आवाज आ रही है? आ रही है, लेकिन एक ही मिनट सर, ये लिंक बंद हो रहा है। आई एम श्योर इट विल बी ऑल राइट, वी विल वेट फॉर निजाम साहब टू कम राइट बैक। Earlier, Nizam Saab used to have the best network. Yes, yes. आजकल जरा थोड़ा मुझे लग रहा है कोई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कॉल आ रहे थे। अगर उनको कॉल आएगा फिर तो साहब ये कट जाएगा कनेक्शन। वो तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, बट इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आई थिंक हेलो जी, बिल्कुल जी सर। सर मैं आपसे ये कह रहा था कि राहुल गांधी जी की जो बढ़ती पॉपुलैरिटी और जिस प्रकार वो, देखिए ना, अगर आपको फुटेज दिख रही हो अभी तो, अरे वो जिस प्रकार वो मित्र उसका मिस्त्री का काम कर रहे हैं, मेसन के साथ खड़े होके, मतलब ये मैंने कभी देखा नहीं है पहले। निजाम साहब, आई डोंट थिंक ही कैन हियर अस। निजाम साहब आपको आवाज आ रही? यस सर जी, आई थिंक जो आप बोल रहे थे कि वाई दे कांट द कास्ट वोट शेयर जो है, वे यू टॉकिंग अबाउट तेजस्वी यादव, इट जस्ट डजंट मैच बिकॉज इन बीजेपी हैज निट अप अ वेरी गुड कास्ट कॉम्बिनेशन टू सी द एंश्योर द विन। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, LJP एंड दे गॉट दैट मांझी एंड द एंटायर पीपल विद हिम, तो दे हैव द वोट शेयर विद देम एंड इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू बीट देम व्हाटएवर यू डू। नाउ वो आपको समझा रहे हैं, the only thing is if they can get Nitish Kumar back with them. Yes, if they get Nitish Kumar back, then JDU, RJD and Congress, yes, then they'll sweep the elections. They'll sweep the elections. That's it. Yes, yes. but Nitish Kumar... Otherwise they'll fall short. Irrespective of anything else, even if they increase their vote share, nothing happens. They'll probably fall short of winning. Yes, yes, yes. That's what happened. That's exactly happened now and before that also. So yes, to, as you because Pradeep, get Nitish Kumar on board. If they had got their caste combination right, if they had got it right in Bihar, you know, the BJP would have been stuck at about 225 or 220 seats. Less than that. It would have been terrible. The India Alliance would have formed the government actually. They would have had a very good opportunity. If they were sweeping the way they swept Uttar Pradesh. UP. Agar Bihar mein इंडिया अलायंस की 20 प्लस आ जाती, मतलब बीजेपी की 20 और कम हो जाती यहाँ पे, तो जरा मुश्किल हो जाती, मुझे ऐसा लग रहा है। एग्जैक्टली, सो दिस द 3 C's दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट व्हेन नीतीश कुमार टॉक्स अबाउट कम्युनलिज्म, क्राइम, करप्शन। सो करप्शन फेल हो गया, क्राइम इज एज रैम्पेंट राइट नाउ, लाइक घर में घुस के उड़ा रहे लोगों को, तो क्राइम इज लाइक दैट, एंड कम्युनलिज्म इज विद द सेम पीपल दैट ही इज टॉकिंग अबाउट दैट आई शुड नॉट बी विद हिम। Fight communalism to the last. And if you remember, he had refused to share the stage with Mr. Modi. Yes, at one time. Welcome. And he had protested at the fact that Mr. Modi had issued, when Mr. Modi was the Gujarat CM, he had issued an advertisement which had appeared in Bihar papers, which showed him along with Mr. Nitish Kumar. Nitish Kumar had protested, if I remember correctly. Exactly. So, and today he's compromised all the 3 C's. And he's touching Mr. Modi's feet. Yes, 3 C's. 3 C's total compromise. Okay. Lekin, CM. लेकिन प्रदीप जी आप ये देखें कि माशाल्लाह वो जो बोल रहे हैं ना, मैंने अभी चेक किया, आपने बताया मुझे कि तेजस्वी यादव साहब ने ट्वीट किया है कि 20 ब्रिज गिरे। सर असल में 20 गिरे हैं, अगर आप देखें तो बिल्कुल, हम सोच रहे थे कि 13 गिरे, 13 नहीं गिरे, 20 गिरे सर। और जो नॉर्मल जो एक पाथवे होती है रिवर के ऊपर, दैट यू मेक
यू नो सम सॉर्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर अ स्मॉल स्ट्रीम और समथिंग, जिसको पुलिया छोटे छोटे, वो तो अनगिनत है, उनकी तो गिनती नहीं है। और ये ब्रिज जो हैं, जिसमें से चलिए कुछ ब्रिज जो हैं वो जरा पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं, 30 साल पुराने हैं, सर बाकी तो बिल्कुल नए हैं, ब्रांड न्यू। और चार तो ऐसे हैं, तीन तो ऐसे हैं जिनका उद्घाटन नहीं हुआ अभी, वो सब है गए। मतलब यहाँ पे तो लगता है कि वो जो वो गाना था ना, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, मतलब यहाँ तो सारे पुल जो हैं वो बारिश के पानी में बह गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है, मतलब अजीब गरीब मसला है। तो मतलब सो इफ इफ नीतीश कुमार कांट डू इट, देन व्हाट गोइंग टू हैपन टू यू, बिकॉज़ बिहार, बिकॉज़ आज तक जो आप कह रहे हैं कि सुशासन बाबू जी इज अ पर्सन पीपल हैड फेथ, ये एडमिनिस्ट्रेशन इज सेफ अंडर हिम, नाउ इफ ही कांट कंटेन इट देन हु कैन, एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन। Let's go back to Nizam साहब। Nizam साहब बोलिए सर, आप उम्मीद करते हैं कि आप डिस्टर्बेंस नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। यस सर। तो Nizam साहब ये बताएं कि राहुल गांधी साहब जिस प्रकार लोगों से मिल रहे हैं, और अभी देखिए साहब मिस्त्री का काम कर रहे हैं वहां पर खड़े होकर मिस्त्री के साथ, उसके पहले वो मोटर मैकेनिक का काम कर रहे थे, उसके पहले वो खेत में चले गए बुआई कर रहे थे, इतनी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी जरा घबरा गई है। आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में, प्लीज। सर घबराने का जो विषय है, क्योंकि बीजेपी ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया है पिछले 10 वर्षों में, या तो कम्युनिटी को कम्युनिटी वाइज लड़ाया है, या फिर जो है वो उन्होंने चीजों को उल्टा किया, वो छोटे लोगों के बीच गए, जरूरतमंद लोगों के बीच गए, और उसका बेनिफिट ये हुआ कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी और लोगों का विश्वास बढ़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के ऊपर जो आम जनता है उसका विश्वास इस कदर बढ़ गया कि आज राहुल गांधी अगर कोई भी काम करते हैं तो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग उनको फॉलो करते हैं और उनके पीछे चलते हैं। जबकि बीजेपी जो है हमेशा इस चीज से दूर रहकर सिर्फ उन चीजों पर फोकस करती है कि कहां से हिंदुत्व की बात आएगी, कहां से लोगों के अंदर डिस्ट्रॉय पैदा होगा, कहां से कम्युनिटीज में झगड़े होंगे, इसके लिए उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है। और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी आम लोगों में, क्योंकि जो वोटर है सर वो आम आदमी है, तो आम आदमी के मुद्दे से राहुल गांधी जुड़ते हैं और आम आदमी के मुद्दे पर जुड़ने से पहले उस पर वो खुद कार्य करते हैं। आपने किसानों का मुद्दा देखा, आपने कुलियों का मुद्दा देखा, आपने मोटर मैकेनिक का मुद्दा देखा, अभी आपने गरीब राजगीरों का मुद्दा देखा कि कैसे लोगों की बात को समझते हैं और उसके अंदर उतर कर वो खुद अपने अंदर वो चीजें पैदा करते हैं, फिर वो आकर उस पर बात करते हैं, इसलिए लोगों का विश्वास बढ़ा है और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। निजामुद्दीन जी, मोदी जी आए थे मुंबई में, 29,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स उन्होंने क्लियर किए, आज उसमें टनल वर्क थे, यू नो गति शक्ति हो गए, पोर्ट्स हो गए, रेलवे हो गए एक्सटेंशन। आज मुख्यमंत्री शिंदे जी ने अनाउंस कर दिया कि हम स्टाइपेंड देंगे बच्चों को 12वीं ग्रेजुएट और डिप्लोमा 6,000, 8,000, 10,000, यानी एक लहर है। और उससे पहले लाड़की बहन स्कीम, तो इतने डेवलपमेंट काम एक तरफ से और लोगों के जन कल्याण स्कीम्स एक तरफ से, तो कैसे करोगे? पवार साहब ने बोलने के लिए बोल दिया एमवीए 225 सीट लेके आएंगे, मगर क्या ये सब स्कीम्स के बाद आपको कुछ लग रहा है कि कुछ होगा आपका? देखिए ये सरकार 5 साल चली ना, ये सरकार 5 साल चली और जब कोई डेवलपमेंट उनका सक्सेस नहीं हुआ और जनता ने उनके डेवलपमेंट पर काम नहीं दिया, तो अब वोट खरीदने की तैयारी है। ये वोट खरीदने के लिए एक प्रोसेस है कि हम आपको पैसा देंगे, आप हमें वोट दे देना। अगर उन्होंने 5 बरस में डेवलपमेंट किया जैसा कि प्रधानमंत्री दावा कर रहे थे, मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट उनको क्यों नहीं मिला? अगर उनको रिजल्ट नहीं मिला तो पैसा दे के वोट खरीद कर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। उदाहरण आपको देता हूं कि प्रधानमंत्री योजना से बने घर पे जहां जिस बूथ पर 523 वोट थे, 523 में से 0 वोट मिला है बीजेपी को, वहां सबको घर देने के बावजूद, तो पैसा देकर कोई स्कीम नहीं आती। दूसरी चीज यह है कि डेवलपमेंट की जो लोग बात कर रहे हैं, आपको कोविड से लेके उसके बाद का समय याद होगा, 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ ऐसे देने की बात होती थी। अब 3 महीने चुनाव रह गए हैं तो जनता भी समझती है कि ये चुनावी दावे हैं, चुनावी वादे हैं, और कभी भी बीजेपी ने चुनावी वादे पूरा नहीं किए हैं।
मुंबई शहर की हालत ऐसी है कि आप अगर सबब में इधर इन दिनों अगर आपको जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो ईश्वर से प्रार्थना करके आप बाइक पर और गाड़ी में बैठिए, क्योंकि आप सही सलामत घर पहुंच गए और आपको नुकसान नहीं पहुंचा, तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। नहीं तो पूरी मुंबई एक तरह से डिस्ट्रॉय है, कोई ऐसा रोड नहीं बचा है कि जहां पर खड्डे नहीं हो, जहां पर पूरी तरह से व्यवस्था बिगड़ नहीं गई हो। तो ये दावे करना, योजना लाना, लाडली बहना, लाडली भैया, ये सब जो है अब बीजेपी और उनके एलाई को नहीं बचाएगी। उनको सत्ता से जाना है, 3 महीने का वक्त है, 3 महीने में जो चाहे कर ले, 3 महीने के बाद ये सत्ता बदलेगी। निजाम साहब, मध्य प्रदेश में वो क्या है, वो दीदी स्कीम जो थी, जिसकी वजह से लाडली दीदी ऐसी कोई स्कीम थी जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सफलता मिली। उम्मीद ये की जा रही है कि वही सफलता शायद महाराष्ट्र में भी मिलेगी। निजाम साहब, सर आप, मैं मान सकता हूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार में ये इस व्यवस्था का बहुत प्रचार किया गया कि लाखों बहनों ने उनको वोट किया जी। लेकिन महाराष्ट्र की सिचुएशन अलग है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा कि हम मुंबई को हब बनाएंगे फाइनेंशियल, तो हब कैसे बनाएंगे? पैसा आने वाली सारी एजेंसियों को आप गुजरात लेके चले गए, पैसा देने वाली एजेंसियां मुंबई में रही नहीं, तो हब बनाएंगे कहा? 8 लाख करोड़ का आपने कर्जा ये सरकार लेकर दे रही है। कारपोरेशन के पास 94,000 करोड़ रिजर्व फंड होता था, वो आपने सब निकाल लिया, तो पैसा आएगा कहां से जो 3 महीना में ये देंगे? अभी तो जो योजनाएं हैं वही नहीं पूरी हो रही है, नई भर्ती कुछ नहीं हो रही है, सारा डेवलपमेंट का काम रुका है, ये सब कागजी चीजें हैं। और प्रधानमंत्री तो मास्टर हैं अनाउंसमेंट करने में, आपको नई नई तरतीबें ला के रोज बता जाएंगे, लेकिन पैसा कहां से आएगा? उस पर श्वेत पत्र जारी करके मुख्यमंत्री को बताना चाहिए महाराष्ट्र की जनता को कि हमने कर्जा लेने के बावजूद भी हम पैसा लाएंगे। अरे अभी वो कर्ज भरने को ब्याज का पैसा नहीं है, सरकार की सब चीजें धीरे धीरे गिरवी हो रही हैं, पैसा लेके घी पीने वाला काम करके योजना दिखाकर छल कपट करके बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री भी शामिल है, वो ये योजना सक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप देखिएगा महाराष्ट्र की बहनों के साथ धोखा होगा। रोजगार काम कांग्रेस व्यवस्थित तरह से करती है, उसने तेलंगाना में वादा किया किसानों को कर्ज माफ करने का, तुरंत माफ कर दिया उन्होंने। आपको याद होगा पुरानी कांग्रेस की सरकारों में 70,000 करोड़ का पैसा किसानों का माफ करना था, कर दिया। तो ये जो करना और उसकी व्यवस्था करना ये इनके यहाँ नहीं है, और ये सिर्फ अभी सपने देख रहे हैं। रोजगार, मोदी जी ने कहा कि रोजगार का आंकड़ा देखिए, रोजगार मनमोहन सिंह के वक्त 2004 से 14 तक पूरे 2.9 करोड़ रोजगार प्रोवाइड किए थे मनमोहन सिंह जी, सिर्फ 2.9 करोड़। मोदी जी आंकड़ा दे रहे 2014 से लेकर 23 तक मोदी जी ने 12.5 करोड़ नौकरियां दिलाई इस देश को। और आगे आरबीआई रिपोर्ट उन्होंने कोट किया, आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 4 साल में मोदी जी ने 8 करोड़ नौकरियां इस देश को उपलब्ध करा के दिया, क्रिएटेड 8 करोड़ जॉब्स। और आप मोदी जी का कहना, राहुल गांधी जी चिल्ला के बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट परम सीमा पर पहुंच गए, 9.2% बेसिक लाइवलीहुड इफेक्ट हो चुके हैं, राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, ये मोदी जी का कहना है। निजामुद्दीन जी, अभी आपने देखा होगा नाम्बियार जी, अभी बहुत छोटी सी घटना है, 3 दिन पहले महाराष्ट्र के एयरपोर्ट पर एक 5,000 लोगों की वैकेंसी थी, 5 लाख लोग पहुंच गए शहर में, 5,000 नहीं सर 1,800, मुश्किल में हालत ये हो गई है, 1,800 फ्री का अनाज दे के भी लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे जी सर। अब 5,000 निकलने वाली है तो 5 लाख कैंडिडेट रेडी है जी। अब झूठी बातें करके ये धोखा दे के कि हम 2 करोड़ 5 करोड़ देंगे, छोटी छोटी नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, जो चीजें खाली पड़ी हैं वो सब खाली पड़ी हैं, तो इसलिए ये एक भ्रम फैलाने का काम है। ये काम कांग्रेस की सरकारों में जितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसका 10% भी मोदी सरकार ने अब तक नहीं किया है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, उनका आंकड़ा है। अगर आपने देखा हो कैक की, अभी कैक की करंट रिपोर्ट में कैक के लिए ऑफिसर ने कहा है कि सरकारें ये समझ लें कि गरीब बांटना और जो करने का काम है
पहले वो समझ लें कि वो पैसा कहां से आएगा। यानी कह खुद मना कर रहा है कि आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। अब ये चुनाव जीतने के लिए इस तरह की बातें करना कि हम नौकरियां दे देंगे, अरे नौकरियां छीनी जा रही हैं सर, रोज निकाले जा रहे हैं बड़े बड़े सेक्टर से लोग, गवर्नमेंट के नई अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही हैं। आप बीएमसी में स्कूलों में जितनी चीजें वैकेंसीज खाली हैं वो दोबारा भरी नहीं गई, 7 साल होने को आ गया है। तो इस तरह की बातें करके जनता को अब आप धोखा नहीं दे सकते। जनता ने इनको सबक सिखाना शुरू कर दिया है। अभी बाय इलेक्शन में इनको धूल चटा दिया, अभी दूसरे बाय इलेक्शन आ रहे हैं उसमें बुरी तरह हारेंगे, उसके बाद जनरल चुनाव आएगा महाराष्ट्र का, तो अब आप धोखा नहीं दे सकते इस तरह का बेवकूफ। लेकिन निजाम साहब, बंद करना चाहिए निजाम साहब, जब प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं कि मैंने 12.5 करोड़ नौकरियां दी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सर पूरी बात सुननी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि मैंने 8.2 करोड़ नौकरियां मिली लोगों को, वो नौकरियां आपको दिखी कहां मिली? वो मुझे तो नहीं दिखी, मैं शायद मुझे नहीं दिखती होंगी, आपसे पूछ रहा हूं। अगर दिखी होती तो 500 की वैकेंसी में 50,000 लोग क्यों आते? अगर नौकरियां दिख रही होती या दिए होते तो, अगर 5,000 की वैकेंसी है तो 50,000 लोग रोड पर खड़े हैं फॉर्म लेकर। और आप देखिए कि प्यून की नौकरी के लिए पीएचडी किया हुआ आदमी, डॉक्टरेट कर किया हुआ, पीएचडी किया हुआ वो आदमी नौकरी के लिए आ रहा है, प्यून की नौकरी के लिए, अगर कहीं खाली मिल जाए तो। इतनी बुरा हाल देश का आजादी के बाद से पहली बार हुआ, क्योंकि इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। पैसा बांट देने से प्लानिंग नहीं आती सर, पैसा जनरेट करने से प्लानिंग आएगी। पैसा जनरेट करने का पावर इनके यहाँ किसी को नहीं है। कर्जा लेके अगर किसी को खिलाना है तो कर्जा लेके तो कोई भी बादशाह कर सकता है, और वो कर्जा देश को चुकाना है, कहाँ से चुकाएगा देश? 8,00,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के ऊपर कर्जा है, अभी जो अभी इन्होंने बताया सरकार ने खुद। जी दुरुस्त बात निजामुद्दीन जी, मगर अमित शाह जी का कहना है कि कांग्रेस ने अगर धोखा दिया, अगर धोखा किसी ने दिया तो कांग्रेस ने धोखा दिया, पिछड़े समाज को कांग्रेस ने धोखा दिया, ओबीसी समाज को कांग्रेस ने धोखा दिया। उन्होंने नेहरू जी के वक्त से कहा कि काका कालेकर कमीशन रिपोर्ट आए थे, नेहरू जी ने कोल्ड बॉक्स में डाल दिया। 1980 में इंदिरा गांधी जी के सामने मंडल कमीशन के रिपोर्ट लागू करने का वक्त आया, उन्होंने शर्म कर दिया, बात ही नहीं किया उस विषय में। 1990 में राजीव गांधी जी अपोस्ट ओबीसी रिजर्वेशन, वो सिर्फ मोदी जी है, मोदी जी अकेले कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दिया ओबीसी, ओबीसी समाज को ओबीसी कमीशन अपॉइंट ऑथराइज करके कमीशन बना के दिया ओबीसी को, वो मोदी जी ने किया, ये अमित शाह जी का कहना है। तो क्या इसमें सच्चाई नहीं है निजामुद्दीन जी? उन्होंने कहा कि अगर ये सच्चाई है तो मेरी बात सुन लीजिए। 23 साल जो है अपोजिशन की सरकारें रही है, 7.5 साल अटल जी रहे, 10 साल मोदी जी रहे, देवगढ़ की सरकार रही, गुजराल की सरकार रही, ये सब सरकारें मिला के 23.5 साल इन्होंने क्या किया? 50 साल पहले मरे हुए नेहरू की जूतियां अभी तक ये सीधी नहीं कर पा रहे हैं, और नेहरू को लेकर देश में भ्रम पैदा कर रहे हैं। नेहरू के नाखून के बराबर भी मोदी जी और 50 साल नहीं आप जा पाएंगे। अभी आप 10 साल तक जो खाए हैं आप, वो हिंदू मुस्लिम करके आपने खाया। आज भी महाराष्ट्र का देश के अलग अलग कोनों में हिंदुत्व की गलत भावनाओं का प्रचार करके आप जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, और दोहाई देते हैं कभी नेहरू को, कभी सरदार पटेल की, कभी दूसरे की। आपने 27 सालों में आपने क्या किया? 15 साल 17.5 साल बीजेपी की सरकार रही है, 17.5 साल में बीजेपी ने क्यों नहीं इन तमाम चीजों का के लिए किया? उसके अलावा दूसरी सरकारें रही हैं, उन सरकारों की जवाबदारी ठहराइए ना आप सबका जोड़कर कांग्रेस के ऊपर डालने का और खुद घूमने का, क्योंकि आपने तो कुछ किया नहीं तो लोगों को बेवकूफ बनाने का। लेकिन अब लोग की जनता समझ गई है, अब वो सवाल पूछती है, अब बीजेपी के अंदर सवाल पूछने लगे हैं। पिछले 5 साल पहले किसी की हिम्मत नहीं थी पार्टी में कि वो मोदी के खिलाफ बात करे, आज मोदी से उनका खासदार, उनका आमदार चर्चा करता है, बात करता है, आंख में आंख डाल के बात कर रहा है कि आप गलत पॉलिसी ले आ रहे हो। तो ये अब उनको सोचने की जरूरत है, देश की जनता को अब आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी का संकल्प मोदी 3.0 में मोदी जी बोले कि 3 गुना ताकत से मैं काम करूंगा,
तीन थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी संकल्प है इस टर्म में मैं पहुंचा के देश देश को पहुंचाऊंगा। थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, 3 करोड़ नए घर बना के दूंगा, 3 करोड़ गरीबों को नए घर बना के दूंगा, 3 करोड़ लखपति दीदी, लखपति दीदी मैं इस देश को समर्पित है। मोदी जी संकल्प लेके समर्पित है, तो क्या राहुल गांधी जी कह बार बार ये कह रहे हैं, सिर्फ बातें हो रहे हैं। मोदी जी कह रहे कि मैं करके दिखाऊंगा और करके दिखाया हूं। निजामुद्दीन जी, देश की आबादी 140 करोड़ है, देश की आबादी 140 करोड़ है सर, 3 करोड़ लखपति बहना और 3 करोड़ घर मिला के 6 करोड़ होंगे, बाकी के लोगों को कहां समंदर में ले जाएंगे मोदी जी डालने? अरे देश के लिए पॉलिसी ले आइए, 140 करोड़ लोगों की जनता के लिए ले आइए। देश का उद्योगपति देश छोड़ के भाग रहा है, गरीब खुदकशी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, आपके मंत्री उसमें शामिल हैं, विधायक शामिल हैं। ये जो कुछ हो रहा है इस पे पहले कंट्रोल करके भारत को एक स्वच्छ भारत बनाइए। आप ये सब बनाना बंद करिए। ये जनता आपको देख चुकी है कि आपने 2 करोड़ नौकरियां कैसे दिया, 15 लाख लोगों के खाते में कैसे पहुंचाया, कैसे लोगों को जो है सरकारी धन, ये सब झूठ बोलने की चीज है। सारे आंकड़े देश के सामने है। लोकसभा में 400 सीटें ला रहे थे, जनता ने उठा के पटक दिया उनको समंदर में ले जाके। उसके बाद बैंकों ने इनके हालत पहले से बता दिया, रिजर्व फंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकल गया। तो ये खाली बहाने करना, हम भी अनाउंस कर सकते हैं कि 10 करोड़ लोगों को हम फ्री में घर दे के आ जाएंगे। अरे व्यवस्था तो पहले दिखाइए, आप श्वेत पत्र जारी करिए कि कहां से बनेगा। और अब तक जो बने हैं, अभी 2 करोड़ टॉयलेट बना रहे थे, उनका भविष्य कहां गया? लोगों को फ्री सिलेंडर दे रहे थे, अब वो सिलेंडर बंद हो गए घरों में, उसके ऊपर अब लकड़ी का चूल्हा बना के सिलेंडर के ऊपर बैठ के महिला खाना बनाती है, आपको तमाम तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। इस तरह का झूठा आदमी, चाहे वो मोदी जी हो, संविधान चाहे जो आपने किया, और भी झूठों का इनके एक और नया सरगना आ गया है, अमित मालवीया। अब वो झूठी चीजें पुरानी, 150 साल 200 साल पहले, 100 साल पहले नेहरू ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, 100 साल की इतिहास निकाल के लाओ और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब जनता के सामने आ जाओ। संविधान की हत्या आपने किया, निजामुद्दीन जी आपने संविधान की हत्या किया। और आप और राहुल गांधी जी संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं, जितने लॉयल कांग्रेसमैन सबके हाथ में संविधान का किताब है, मगर अमित शाह जी का कहना कि संविधान का हत्या आपने किया था। संविधान हत्या दिवस मनाएंगे 25 जून को, हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। इंदिरा जी ने 1,40,000 लोगों को जेल में डाला, पूरा देश को जेल बना दिया था इंदिरा जी ने। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो कहते हैं नसबंदी कराया, नसबंदी। तो ये सब ऐतिहासिक है, इतिहास का एक हिस्सा है, उसको मनाएंगे 25 जून को। क्या आपत्ति है? उस सारी घटनाओं के बाद भी 23 साल इनकी सरकार रही है नाम्बियार जी, उन सब घटनाओं के बाद भी 23 साल इनकी सरकार रही है। 23 साल में क्या उखाड़ा इन्होंने, 23 साल में क्या किया महाराष्ट्र और देश की जनता के लिए? अगर 23 साल पहले इंदिरा गांधी ने ये किया था और नेहरू जी ने 50 साल पहले किया था, तो 23 साल जब ये फुल फ्लेज गवर्नमेंट में है तब इन्होंने क्या किया? आज जनता सब देख रही है, अब ये कुछ नहीं है इनके पास सिवाय झूठ के, इसलिए अब ये बहाना नहीं कर सकते। अब जनता इनके आंख में आंख डाल करके बात रही कर रही है और हर जगह इनको पटक रही है। राज्यसभा से इनका बहुमत उड़ गया, कोई भी लॉ कानून पास करने के लिए अब राज्यसभा में डायरेक्ट सिग्नेचर नहीं होगा, ये पहली कड़ी है। अगली कड़ी में राज्यों की सरकारें जा रही हैं, वो सरकारें गिरने के बाद अस्थाई तौर से राज्यसभा से ये पैदल हो जाएंगे, इसलिए अब उनको डर है। अब इस तरह के भ्रम पैदा करिए कि लोगों को लगे कि बस अब बीजेपी है तो देश बचेगा। अब लोगों का ये कहना है कि देश बचाओ, संविधान बचाओ, जिस संविधान की बात ये हत्या की कर रहे हैं, कांग्रेस है, राहुल गांधी ही है जिसने इनको सबक सिखा दिया और इनके आंकड़े को नीचे ला दिया और इनके संविधान, इस देश के सबसे संपन्न संविधान जो आज पूरे देश में लागू है, उसको बचाने का अगर किसी ने काम किया तो वो काम राहुल गांधी और उनके साथियों ने किया जी।
और जो अमित मालविया जी का जयराम रमेश जी, आपने अभी अमित मालविया जी का जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि अगर राहुल राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ या इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया वो उनके पॉलिटिकल डिसीजन के वजह से हो गया। उन्होंने कहा कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने जो 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 भी कुछ हुआ है, जो ऐतिहासिक जो असैसिनेशन हुआ। तो जयराम रमेश जी ने कहा कि उनका इस्तीफा, तो कहां तक ये मैटर लेके कांग्रेस किस प्रकार से विरोध कर रहे इस चीज का? देखिए कांग्रेस कांग्रेस जो है जरूरत पड़ने पर पूरे देश में उतरेगी, जमीन पर उतरेगी, रोड पर उतरेगी और इनको सबक सिखा देगी। अभी तो सिर्फ जो है जयराम रमेश जी ने सिर्फ नड्डा जी को चिट्ठी लिखी है कि झूठ की दुकान बंद कर दीजिए, क्योंकि देश नफरत से नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा और मोहब्बत की दुकान जो है वो सिवाय राहुल गांधी के कोई चला नहीं सकता। जयराम रमेश ने इनको जो सबक दिया है उन्हें सीखने की जरूरत है। झूठ के पुलिंदे से बहुत दिनों तक कोई चीज टिकती नहीं है। इस देश की व्यवस्था को उन्हें देखना चाहिए और इस तरह की गलत चीजें फैलाकर देश को गुमराह करने से उनको बचना चाहिए। अब उनके लोग डिबेट में खुद पिट रहे हैं, उनके प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं डिबेट में, तो इससे ये साफ जाहिर है कि अब अमित मालविया इस तरह की छिछोरी हरकत जो कर रहे हैं, जो किसी को लांछनित कर रहे हैं, अगर हम भी यही करने पर आ जाएंगे तो इनके चेहरों पर कालिक पहले से पूछ जाएगी। हम वो नहीं चाहते कि राजनीति में किसी के व्यक्तिगत आचरण पर चर्चा हो, इसलिए राजनैतिक मुद्दों पर राजनैतिक चर्चा होनी चाहिए। तो चलते चलते सर ये भी बता दें कि आज की तारीख में महाराष्ट्र में जिस प्रकार कोशिश की गई हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने की, विशालगढ़ के की मस्जिद के ऊपर जो एक हमला हुआ वो क्या है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। महाराष्ट्र में तो ऐसी चीजें नहीं होती सर। देखिए महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हुआ जी, अभी अभी इलेक्शन हुआ है, उन्होंने अपनी पोजीशन देख लिया कि सर्वे ने उनका बहुमत हटा दिया है राज्य वाला। लोकसभा की जितनी सीटें आई हैं और जहां जहां हमारी बढ़त है वो सारे आंकड़े ओपन हैं, कोई छिपी हुई नहीं है। अब उनको इस बात से लगने लगा है कि महाराष्ट्र में भी हम बुरी तरह हारेंगे और ये सर्वे हमारा नहीं है। आज दो दिन पहले इनका जो इंटरनल सर्वे आता है उसने राज्य इनको हरियाणा में और महाराष्ट्र में इंटरनल सर्वे में ये बता दिया कि आपकी जमीन खिसक गई, आप हार रहे हैं। अब इन्होंने अपना एक आंकड़ा शुरू किया है कि हिंदू मुस्लिम फसाद कराएं, जिस तरह से इन्होंने वहां किया है कोल्हापुर में। कल हम राज्य के डीजीपी को मिले थे, कल हम राज्य के डीजीपी रश्मि शुक्ला जी को अपने डेलीगेशन के साथ मिले, जिसमें हमारे तमाम सीनियर नेता थे, बालचंद मुंगेगर जी, नसीम खान जी के नेतृत्व में हम गए थे। राज्य के डीजीपी ने बहुत सारी चीजें कल क्लियर की हैं। तो ये दंगा फैला कर लोगों को बेइज्जत करके, मार करके, किसी के धर्म स्थल को तोड़ करके अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में तो कम से कम ये नहीं होगा। आप जितना ये सताएंगे उतना ज्यादा दूसरे समाज के लोग इनके विरुद्ध जाने वाले हैं, ये समझ लें। क्योंकि जिस तरह से हिंदू आचार्यों ने, जिस तरह से धर्माचार्यों ने इनके बारे में, इनकी सच्चाई के बारे में पिछले दिनों से खोल कर रखा है, वो इनके लिए अशुभ है और इनकी विदाई तय है। बट आपको क्या कमी लग रहा है कि प्रशासन पूरे ताकत वहां पर नहीं लगा है? हमने देखा कि एकनाथ शिंदे जी खुद सवेरे सवेरे 4-5 बजे उस स्थल पे पहुंचे जहां पर ये खतरा हुआ था, खुद उन्होंने प्रशासन से बात किया, खुद एफआईआर किया, एफआईआर में संभाजी जो मेन संभाजी राजे पर भी एफआईआर रजिस्टर हो गए, प्रशासन हरकत में आया है, एफआईआर लॉन्च हुआ है, केस चालू है, प्रशासन एक्शन में है, फिर भी आपको कहां कमी लग रहा है? सिर्फ खुद चीफ मिनिस्टर उन अधिकारियों पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थे जिनकी मदद से वहां हुआ। वहां के एसपी को सस्पेंड करना चाहिए था, वहां दूसरे लोगों पर उन्होंने एफआईआर लिया, लेकिन कैसे बेगुनाह लोगों को एफआईआर करके आपने अंदर डाल दिया। जिस तरह की वो घटना है आप अगर देखेंगे उसके फुटेज, तो आदमी 100 फुट के ऊपर चढ़ के गुंबद पे हथौड़े बरसा रहा है, ये एक बार की कोई आता है? ये प्री प्लान था, सरकार निकम्मी है, सरकार पूरी तरह से फेल है, सरकार को जवाबदारी लेना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और वहां के एसपी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। और वहां जितने समाज के लोग हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सबको बैठा के व्यवस्था करनी चाहिए। इस वर्ग वर्करी समाज का इतना बड़ा जुलूस जा रहा है, धार्मिक त्योहार है शहर में,
तमाम सारे चीजें सारे प्रोसेस हो रहे हैं, आप इस तरह की हरकतें कराकर इसमें इनकी सरकार और प्रशासन मिला हुआ है। कल हमने वही मांग किया कि प्रशासन के ऊपर कार्रवाई हो और उनको जो है तुरंत जेल भेजा जाए, तत्काल जेल भेजिए। किसी भी धर्म स्थल पर इस तरह का अटैक हिंदुस्तान के और सूबों में देखने को नहीं मिलेगा जो घटना मुख्यमंत्री के दौर में हो रही है। राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट। थैंक यू सो मच सर। निजाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए, और भी ज्यादा आपको धन्यवाद। नमस्कार सर, थैंक यू, जय हिंद। Wait, what happened at that Kolhapur was terrible, actually. It shouldn't have happened. Well, I think things are control now. I mean, I hope so. Yes. I really and truly hope so. I don't think the BJP or the Eknath Shinde Sena or Ajit Dada Pawar would allow such a thing to happen. I don't think they will. Very strict about it. They are usually very, very responsible. But in terms of the announcements made with regard to the stipends announced for graduates, for diploma holders and for 12th standard pass young men, I'm still not sure where they're going to get the money from, because the amount involved is huge. I don't know whether it's only going to be one person from each family or will it be just about everybody who's a graduate. I don't think they can actually pay everybody who's a graduate, can they? I mean, I don't think so. But they have announced it and it's going to be a game changer the way things are. Because the Ladli Behna scheme is a fantastic success, where there's huge. Ladli Behna scheme is a fantastic success in Madhya Pradesh. Here, the applications are a big success. Let's see when they start receiving money. No, the very fact that it is announced and people are flocking, and there's a wild push to get the particular application form, to the government had to come up with new schemes of online, applications. एक्स्ट्राका में मिलेंगे, तहसीलदार के ऑफिस में मिलेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर दिया है। इट्स अ मैड रश आउट देयर एंड इट्स गुड। द सेंटिमेंट्स फॉर द महाराष्ट्र इकोनॉमी इज गुड, दैट द पुअर, द एब्सोल्युटली अनएम्प्लॉयड आर गोइंग टू गेट मनी इन देयर हैंड्स एंड दे आर गोइंग टू स्पेंड द मनी एंड महाराष्ट्र विल प्रॉस्पर। दैट्स द हाउ मेनी मेल ग्रेजुएट्स वुड देयर बी इन महाराष्ट्र, एनी आईडिया सर? सर, इवन इफ देयर इज एन इमीडिएट इन्फ्लक्स अबाउट 5600 करोड़ इनटू द इकॉनमी वेयर महाराष्ट्र इज कंसर्न्ड, and if the most poorest of poor will have 5600 crores to spare and to spend, you look at how the economy is going to gain. That's one way of look, one dimension of that. The other dimension is where the funds are going to come from, that the government has to answer. I'm not sure what are the number of graduates in Maharashtra, but the budget allocated is 5600 for this. So but they are going to spend 5600 at least, so they're going to give it to the so which means there will be conditions. Maharashtra has 24 universities with a turnout of 160,000 graduates every year. Har saal 160,000 graduate Maharashtra mein bante hain sir. Aur agar pichle 10 saal ka le liya jaye to usme matlab 1160,000 ho gaye. Agar 11 lakh logon ko bhi matlab 10,000 diya jaye to Pradeep ji, it works out to an amount which is humongous. मैं तो उस तरफ देख ही नहीं रहा हूँ. That is one way of looking at it. The other way of looking at it is, आप 5600 करोड़ इसको allot कर दिए. So which means you're going to spend this 5600 immediately. No, Pradeep जी, इसका मतलब ये हुआ कि सबको नहीं मिलेगा. इसका मतलब conditions will apply. They'll have to be BPL. Let it start. I mean, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जिसके पास नौकरी नहीं है, all those people who don't have a job, all those people who are not earning something from somewhere else and stuff like that, and perhaps who are below the poverty line, then that is doable, very frankly. But if it is for everybody, I don't know how he's going to do it. But in any event, let's see how it goes. Let us see how it goes. It's huge. It's humongous. And if it succeeds, goodbye NDA. That's all that we can say. But when will the payout start? Because we are already in July, towards the end of July. The paperwork itself is going to take about 1.5-2 months. So which means we are looking at the first payout perhaps in October, September or October. As soon as they start the application forms,
they will process the application forms. And then very soon there will be the electoral code of conduct, yes, which will prevent payouts. But I think they will ensure at least one installment goes off to show their commitment to the people of Maharashtra. I hope so for their sake. I hope so for their sake. Well, but then it's all everybody promises. Yeah, Rahul Gandhi. लेकिन प्रदीप जी लाडली बहना के बारे में जो अरुण सावंत साहब ने कहा, last date for filing of the application is August 31st. 31st August. सर अभी प्रोसेसिंग विल टेक अबाउट अ मंथ एंड अ हाफ. अभी राहुल जी ने 8,500 रुपया हर व्यक्ति के लिए बोले, यू नो, महालक्ष्मी योजना. द गवर्नमेंट वॉज नॉट देयर एट ऑल. Yes. So we could have questioned them, yes, as soon, yes, as they come into power. But where we are questioning them, where we are questioning the Congress is, कि जहाँ जहाँ आपकी राज्य सरकार है वहां तो आप देना शुरू करिए ना. 8,500 नहीं, किधर भी नहीं दिए. मैं वही बोल रहा हूँ, देना शुरू करना चाहिए. कि अगर आप महालक्ष्मी स्कीम आप पूरे देश में आप लागू करना चाहते थे तो जहां जहां जिस जिस राज्य में आपकी खुद की सरकार है वहां पर लागू कीजिए. So that you can show everybody कि भाई ये हमने यहाँ पे किया है, अब आप हमें बाकी जगह भी वोट दें. तो I think because Karnataka does not have money, Telangana is already short of money, Himachal Pradesh is the only state which is fiscally all right because it's a small state. But वो 1,500 तो दे ही रहे हैं. This is something that they can afford. 1,500 rupees or 2,500 rupees is still affordable compared to 8,500 or 10,000. But if they have promised, they should give. My point is, if you have promised something, you have to deliver. That's it. And you are in power in three states. Yes. Teen state mein aap power mein hai, teenon ke teenon mein dena shuru kijiye. No. Kya hai? I agree with you. Any party, wherever you are, you at least fulfill your promises. That's right. Aur sabko, even if it's unreasonable, please fulfill it. Sabko ye vishwas ho jaye ki bhai we mean business, ki hum log kar sakte hain. Varna sabke samne aakar ke maafi mangiye, bhai galti ho gayi. That's it. And I hope Mr. Shinde and Mr. Devendra Fadnavis and Mr. Ajit Dada Pawar are actually able to make these schemes work. I really and truly hope they are. Because if they do, sir, Maharashtra ki kaya kalap ho jayegi. Very frankly. If everybody is spending, the economy is going to boom. And nobody is going to work. We hope they work. Right, that's just about it. In tonight's show, aaj ke show mein sirf itna hi. Aur, we'll of course be back with you tomorrow. और वो घंटी भी बच गई है, जरा सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू सेंड इन योर कमेंट्स. वी लव रीडिंग योर कमेंट्स, इवन इफ दे आर समवॉट कलरफुल, बट वी लव देम. और प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरे चैनल की तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सियाराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव.